कोई नहीं आएगा, चलो निकलो। छोड़ दो भाई। चल भाई, चल बे। यही है ना वो लुच्चा? हाँ दीदी। फोन कहाँ है बे? पासवर्ड बता। 5439। भाई दूसरा कुछ है क्या? देखो। ठीक है मैं देखता हूँ। घूर रहा इसे। हाँ अरे द्रौपदी, अरे रुको, जल्दबाजी मत करो। नहीं दीदी, द्रौपदी मत करो। नहीं, नहीं दीदी। अच्छा वकी वो बच गया। भैया जरा इसका वीडियो बनाओ। भाई वीडियो मत बनाओ प्लीज, मत बनाओ वीडियो, मत बनाओ। नहीं मत करो, ऐसा मत करो, मत बनाओ। बदनामी सिर्फ लड़कियों की ही होती है ऐसा लगता है क्या? है तेरा वीडियो बनाएंगे ना और तेरे घर वालों को दिखाएंगे, तब तुझे पता चलेगा कि बदनामी किसे कहते हैं। इस वीडियो को बनाने के बाद ना फेसबुक पे डाल दूंगी। माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा मत करना, फेसबुक में मत डालना। अगली बार अगर किसी लड़की को परेशान भी किया ना, तो अभी तो सिर्फ चड्डी उतारी है, बाद में तेरी इज्जत उतार के पूरे गांव में घुमाऊंगी। ए लाठी सीधा कर, अच्छे से नीचे करो। हाँ जोर से, जोर से। पापा नमस्ते। पापा क्यों बेटा जी, इस बार 3 लोग स्टेट लेवल में चले जाएंगे क्या? इस बार 4-5 लोग तो गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। द्रौपदी कहाँ है पापा? बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं, कहाँ चली गई पता नहीं। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, मैदान में जो काम चल रहा है वहाँ कुछ गलत हो रहा है, वो उसी का वीडियो बनाने गई है। क्या हुआ द्रौपदी, आज इस तरफ कैसे? बच्चों को क्लास नहीं ले जाना? वो तो शाम को है, यहाँ तो मैं ऐसे ही आ गई। जाइए जाइए, आप काम करिए। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। ये क्या अभी 2 घंटे भी काम नहीं हुआ है और बारिश भी आने वाली है, ऐसे बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? इनसे कुछ कहो तो कहती हैं कि पैसा तुम्हारी जेब से नहीं गवर्नमेंट के जेब से जा रहा है। क्या बात है, आप यहाँ कैसे? अरे मेरी बात छोड़ो, तुम उन लोगों के साथ क्या कर रही थी बताओ? वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यही सारी बातें करते हैं, इसकी उसकी बुराई करने आते हैं यहाँ पर ये लोग, वही तो रिकॉर्ड करने आई थी। तो तुम वीडियो बना रही हो, वो उनको पता चल गया तो? उनको पता चलेगा तभी ना। ये पेन कैमरा है, इसे खोलकर देखिए। अरे बाप रे, देखा आपने, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन ये तो गवर्नमेंट का काम है, इसे फेसबुक पर डालने से क्या फायदा होगा? ऐसी बात नहीं है, इस फोन से लिया हुआ वीडियो और इस पेन से जो मैंने वीडियो उतारा है वो दोनों प्रधानमंत्री के ऑफिस भेज देने चाहिए, तभी पता चलेगा इन्हें। उनकी और तुम्हारी जान पहचान कैसे? आज इंटरनेट की वजह से प्रधानमंत्री से लेकर काउंसलर तक मिलना बड़ा ही आसान काम हो गया है। सही काम हाथ में लिया बेटी तूने। यहाँ का काम और खेती के लिए कोई और आता ही नहीं है, अगर ऐसा होता तो सब बेकार हो जाता ना, लेकिन तू सब संभाल रही है। लक्ष्मी अपने घर में मिनरल वाटर आया है? वो दीदी कॉलेज में मिनरल वाटर पीकर अब उसी की आदत हो गई है, इसलिए मंगा लिया। एक कैन कितने का है बताओ तो? 30 रुपए का है। 30 रुपए का ठंडा पानी 1 रुपए में बिकता है, ये तो कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा महंगा हो गया। अच्छा आप इस पर भी वीडियो बना लेना, फिलहाल मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम भी उड़ाओ मेरा मजाक। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते, कैसी हो तुम दोनों? नमस्ते, ठीक हूँ आंटी। आपको देखते ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है डॉक्टर। तुम तो हमेशा पॉजिटिव रहती हो द्रौपदी। जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं तुम्हारे अवेयरनेस वीडियोस देखती हूँ। यू आर अ गिफ्टेड गर्ल। थैंक्स। अब चलें? अच्छा आंटी मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। बाय दीदी। लक्ष्मी फाइनल ईयर है ना, बी केयरफुल। यस श्योर आंटी।
अरे जाइए मत डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर। डॉक्टर जी और एक पेशेंट को दिखाने का है। कौन है वो? तू इधर आ। द्रौपदी को ही दिखाना है। द्रौपदी को क्या हुआ है? कुछ नहीं डॉक्टर, शादी होकर 2 साल हो गए हैं लेकिन बच्चा ठहर नहीं रहा है, बस यही एक प्रॉब्लम है डॉक्टर। क्या कर रहे हैं? तुम चुप रहो ना। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि तुम लोग प्लान कर रहे हो। मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ, ये खाती रहेगी तो 1-2 महीने में गुड न्यूज मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, गोली नहीं चाहिए डॉक्टर, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अरे तुम जरा चुप रहो ना, ऐसे वेट करते करते 2 साल बीत गए। जो गुड न्यूज सुनना चाहता हो उससे ज्यादा वेट नहीं करवाते। पहले की औरतें सैनिटरी पैड्स यूज नहीं किया करती थी, लेकिन अब यूज करने लगी है ना, उसी तरह बच्चे के लिए भी दवाइयाँ खाती है। फिक्र मत करो, सिर्फ आयरन और विटामिन की टेबलेट्स दूंगी, बस वही लेना। ठीक है डॉक्टर, ठीक है। की चैलेंज, आइस बकेट चैलेंज, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आपने देखे होंगे, उसी तरह ये भी इन बच्चों के साथ पौधा लगाने का चैलेंज है। घर में जो लोग बड़े हैं, घर में बच्चे, उन सब के साथ मिलकर एक पौधा लगाकर उसका वीडियो निकालेंगे। हमारे यहाँ के बच्चे कुत्तों के बच्चों को पालते हैं, पानी की टंकी में मछली पालते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक पौधा लगाते हैं, वो बड़ा होता है और जब बड़ा होकर वो फैल जाता है तब छांव देने लगता है, उससे सम्मान मिलता है। इसीलिए कहती हूँ आप लोग गाँव में पौधे लगाइए। आई की नहीं बात समझ में? पौधे लगाएंगे ना? ठीक है। बहुत बढ़िया। कबड्डी 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 बस बस कबड्डी कबड्डी। एक मिनट। हाँ डॉक्टर बोलिए, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ द्रौपदी। वो जो तुमने छोटे बच्चों से पौधे लगवाए हैं ना, बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, एक्चुअली आपकी वजह से ही ये सब हुआ। थैंक्स। अच्छा, चेन्नई से रानी नाम की एक यूट्यूबर तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। वेरी ब्रिलियंट गर्ल, तुम्हारी ही तरह सोशल एक्टिविस्ट भी है। प्रभाकर से कहना उसे जाकर पिकअप कर ले। रानी वर्मा और द्रौपदी पहली बार मिले। द्रौपदी, ये रानी वर्मा जी हैं। रानी ने द्रौपदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। द्रौपदी, रानी और डॉक्टर, ये तीनों लोग मिलकर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे और जिस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था वो दिन आ गया। क्यों पट्टू, डर लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं जी, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। क्या हुआ पट्टू, तुम्हारी तारीख वारीख आगे निकल गई क्या? हाँ जी, 10-15 दिन हो चुके हैं। हाँ, आओ ना। नमस्ते डॉक्टर। बैठो। गांव में कोई फंक्शन है क्या? आज दोनों एक साथ आए हो? अभी खुशी की बात है कि नहीं ये तो आप ही बताओगी डॉक्टर। ये कह रही है कि अचानक से इसको चक्कर से आ रहे हैं, जरा आप देखकर बताइए ना कि आखिर बात क्या है। प्रभाकर तुम जरा बाहर जाओ, मैं चेक करके तुम्हें बुलाती हूँ। ओके डॉक्टर। सर चेकअप हो गया है, डॉक्टर आपको अंदर बुला रही हैं। फिक्र मत करो, ये तो नॉर्मल है। ओह। 2 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर, मैं संभाल लेता हूँ। मैंने जो दवाई दी थी वो खा रही है ना ये? हाँ खा रही है डॉक्टर, मैं खुद ही इसे देता हूँ ना। ओह अच्छा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रेगनेंसी कन्फर्म हो गई है। 8 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। अब द्रौपदी को जो भी पसंद है वो सब इसे लाकर देना। ओके डॉक्टर। इसे हमेशा खुश रखना। हाँ मैं देख लूंगा ना डॉक्टर। नमस्ते। सॉरी ब्रदर, बेल करवाने के लिए 6 महीने लग गए, गलत मत सोचना। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, रास्ते में बात कर लेंगे। ब्रदर सीधा अपने गांव ले लूं? नहीं जाना है सर, मेरे गांव के लोग ना जाने क्या क्या बातें करेंगे। वैसे 1-2 काम निपटाने हैं, वो निपटाने के बाद ही मैं अपने गांव जाऊंगा। ठीक है भैया, चलेगा जैसे आप कहें। ठीक है सर।
यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप जितने दिन चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। डॉक्टर कोकिला मैडम है ना, आप जब बाहर आएंगे तब वो आपसे बात करेंगे। द्रौपदी मर्डर केस के बारे में आपको कुछ बात करनी है उनसे? नहीं अभी नहीं करूंगा, मैं जेल से बाहर आया ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। द्रौपदी केस के बारे में मुझे चेन्नई जाना पड़ेगा, वहाँ से आने के बाद ही बात कर लेंगे। ठीक है सर। मेरी और एक मदद कर सकते हैं? द्रौपदी, लक्ष्मी और पापा, ये तीनों के मरने के बाद उन लोगों का क्रियाकर्म नहीं किया, अगर आप इसमें थोड़ी मदद कर देंगे। उसे कहा है वो कर देंगे, आप रेस्ट कीजिए। ओके थैंक यू सर। Excuse me? Yes, madam. रानी मैडम ने मुझे यहाँ बुलाया था, आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं प्लीज? मैडम गायत्री मैडम आपका रिसेप्शन पे वेट कर रही है। ओ, आ गई क्या? हाँ, आ गई वो। ओके, 2 मिनट्स ब्रेक। हाय, हाउ आर यू गायत्री? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। तुमने बुलाया था ना, कोई शूट वगैरह है क्या? एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने जा रही हूँ, तो उसके लिए एक गाँव जाकर 10 दिन वहाँ रहना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? द्रौपदी नाम की एक रियल लाइफ स्टोरी पर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ, जिसे डॉक्टर मैडम प्रोड्यूस कर रही हैं। कंटेंट बहुत ही शॉकिंग और कंट्रोवर्शियल है। बस टाइम बताओ, आई एम रेडी टू एक्ट। कब चलना है? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, ये आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पंडित जी, मैंने पहले कहा था ना, 6 महीने पहले मेरे फैमिली के 3 लोग गुजर गए, तभी मैं गाँव में नहीं था, लेकिन अभी आया हूँ तो उनका क्रियाकर्म करना है और पिंड भी देना है। चाहे कुछ भी हो, क्रियाकर्म करने के बाद ही पिंड दान होता है, ये शास्त्र के अनुसार करने से ही सफल होता है। ओह, ये सब अच्छे से हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। आप अपने कुल और गोत्र बताइए। जम्बू महर्षि कुल गोत्र। तो आप अपने कुल के हिसाब से दाढ़ी बनाकर नहा कर आ जाइए, उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। पंडित जी, कुछ जरूरी काम है पंडित जी, तो उस समय पूरा करके आता हूँ, तभी ही उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है। अच्छा ठीक है, मिलते हैं पंडित जी। ठीक है, नमस्ते पंडित जी। सर, हाँ बोलिए ब्रदर। तो फिर मैं अभी अपने गांव निकलता हूँ और 1 महीने बाद ये क्रियाकर्म करेंगे। नमस्ते मैडम। नमस्ते, मेरा नाम शंकर है, मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। डॉक्टर मैडम ने कहा है कि आपके साथ रहकर आपकी हेल्प करूँ मैं। थैंक यू शंकर। कोई बात नहीं मैडम। शंकर, वेलपुरम तालुका में जो घटना घटी थी, मैं उस पर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। मुझे जिस तरह के कैरेक्टर्स चाहिए उनकी फोटो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज देती हूँ, मुझे वैसे ही लोग चाहिए होंगे। अगर वैसे लोग ढूंढ कर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके मैडम, आप रेस्ट कीजिए, आपको जो भी एक्टर चाहिए मैं कल तक अरेंज करके आपसे मिलता हूँ। ए भाई देख, जैसा मैंने बोला था ना वैसे ही करना, अपना दिमाग लगाने का नहीं, नहीं तो फंस जाएगा अपन, ठीक है ना? चल जा राजा। शाम को बताना। अरे प्रभाकर, अरे कैसा यार तू? आई मजा आ गया यार, गांव में सब कैसे अच्छे है ना? हाँ, सब यार ये दाढ़ी वाड़ी क्यों बढ़ा के रखा है, है? यार तू गांव नहीं गया, सीधा यहाँ आ गया क्यों? यार तुझे द्रौपदी के बारे में तो पता ही है ना, उसने मुझसे एक बात कही थी, अगर वो मैंने नहीं की तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए गांव में सबसे मैंने झूठ बोला है और तुझे ढूंढते ढूंढते मैं चेन्नई आया हूँ, लेकिन अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। क्या भाई, कैसी बात कर रहा है तू? है चल अंदर आ, चल चल। द्रौपदी के साथ जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तू एक काम करना, तू यहीं पर रुक जा, मैं कुछ इंतजाम कर देता हूँ, ठीक है? और तू यहाँ है, मैं अपने लड़कों को नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? चल ठीक है भाई। प्यास लगे तो पानी यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे मच्छर थोड़े ज्यादा लगते हैं, ओढ़ लेना, ठीक है ना? चल सो जाते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है, तुझे कैसे सोजा? क्या हुआ यार, द्रौपदी की याद आ रही है? सोचोगे तो बहुत तकलीफ होगी। गांव वाले जो कह रहे हैं उसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है, सारी गलतियां तो बस मेरी थी, उस दिन मुझे उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अरे यार, लड़कों ने मुझे सारी बात बता दी है, तू बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे सब पता है। एक काम कर, चुपचाप सो जा। नहीं यार, आखिरी बार उसके चेहरे को देखकर उसका क्रियाकर्म भी मैं नहीं कर पाया, ये सोचकर बहुत दुख होता है। ठीक है बाबा, परेशान मत हो, आराम से सो जा, जो होगा कल देखेंगे, हैं? ठीक है ना? चल। सुनना, एक छोटी सी मदद कर दे। क्या चाहिए?
मुझे उस पते पे लेकर चलना। ये कौन है यार? अरे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे वहां लेकर तो चल। ठीक है, 5 मिनट वेट कर, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। तो फिर चले भाई? हाँ चलते हैं ना। दादी दादी क्या लेकर आई हो, दिखाओ ना। दो ना दादी। छोड़, चल निकल यहाँ से, चुपचाप स्कूल जा, बीच में कहीं रुकना नहीं। भाई ये 234 नंबर का घर कौन सा है? 234 नंबर का घर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 55 नंबर का घर है। दूसरी तरफ जाकर देखिए, इस तरफ नहीं है वो वाला घर, उधर ही है वो घर। भाई ये फोटो जरा देखो, इसे देखा है क्या? नहीं, इसे इधर कभी भी नहीं देखा है। नहीं। अच्छा भाई, इसने इस गांव में पूरी जिंदगी गुजारी है। चल कभी ना कभी तो कोर्ट में आएगी, तभी मैं उसे देख लूंगा, फिलहाल छोड़ते हैं। अच्छा भाई, उस लड़के के बारे में फोन करके पूछने को कहा था, वो अभी मत करना। अच्छा, नहीं तो उन्हें डाउट हो जाएगा। हाँ ठीक है। और एक जरूरी बात है, मुझे एक नया सिम कार्ड चाहिए। वो किस लिए? मैं जो काम करने जा रहा हूँ ना, उसके लिए मुझे नया नंबर चाहिए। हाँ। और मेरे फोन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक है। और ना ही मेरे गांव में किसी को पता चले, और ना ही हमारे किसी दोस्तों को। हाँ ठीक है, सीक्रेट रखना होगा। क्या जैक? क्या है भाई? मैंने बताया था ना, मेरा दोस्त जैक। नमस्ते भाई। लड़की के बारे में तो ज्यादा तारीफ मत कर भाई। जल्दी क्यों आ गया भाई? हम सब लोग मिठाई खाने गए थे, खाने के बाद मैं जल्दी आ गया। क्या कहा? मिठाई? मिठाई मतलब लड़की? मिठाई बोला ना। मिठाई मिठाई मिठाई, लड़की को ताड़ने वालों के लिए मिठाई। क्या बात है गोविंद, कुछ जरूरी काम है क्या? मेरा दोस्त अभी गांव से आया है, अब यहीं रह के काम करेगा। हाँ हाँ। वो जगह देख रहा है ना, वही है का रजिस्ट्रार ऑफिस है। अपनी लक्ष्मी की शादी भी यहीं रजिस्टर हुई थी। जो लोग गांव से भाग कर आते हैं ना, उन लोगों की शादी के लिए बनाया गया। बहुत शादियां होती हैं यहाँ पे। चल आगे चाय पियेंगे, वहीं बैठ के बात करेंगे। हैं चाचा? हाँ। दो अदरक वाली चाय। ठीक है। अभी देखा ना रजिस्टर ऑफिस, वहां पे सिर्फ चीटिंग ही होती है। इस ऑफिस ने जगह को बदनाम करके रख दिया। जानता है तो ये जगह सीधे तरीके से जीने वालों के लिए नहीं है भाई। पता है यहाँ ऐसे लोगों को चैन से जीने नहीं दिया जाता। ये सब देखकर मेरा खून खोल जाता है भाई। एए! अरे ये क्या कर लिया तूने? ये देख रहे कितना खून निकल रहा है हाथ से, पागल है क्या? हा? तुझे तो कुछ भी बताने लायक भी नहीं है क्या यार? तू भी कौन है? वो वही है। वो क्या बोला? उसका द्रौपदी के केस के साथ कनेक्शन है क्या? वो कोर्ट वाला है क्या? अरे बोल ना यार। चल अभी। हाँ आजा। हाँ वहाँ गिलास तोड़ता है, यहाँ आकर के दीवार पे ठोक रहा है। अरे उसे गुस्सा था तो वहीं पे खत्म कर देता ना। उसे खत्म करना कोई मसला नहीं है, द्रौपदी के सपनों को पूरा करना है। क्या कहा, खत्म नहीं करने का? हे द्रौपदी को मारने के लिए उन लोगों ने तुम्हें बस स्टैंड पर बुलाया और घर में घुसकर द्रौपदी को मारा, उन्हें तू ऐसे ही छोड़ देगा क्या? देख उन्हें कैसे भी खत्म करना है, और तू इसीलिए यहाँ पे आया है। तुझे क्या चाहिए मुझे बोल, मैं दूंगा ना तेरा साथ। मुझे एक चाय का स्टॉल लगाना है, एक साइकिल और टी का कैन। सब हो जाएगा। साइकिल है अपने पास, उसकी सीट ठीक नहीं है, उसे ठीक करा लेंगे, ठीक है ना? और ठीक है, इनका इंतजाम ही कर ही लेंगे, ठीक है ना भाई? चल भाई चल ना, दीवार तोड़ के चलेगा क्या? चल। मेरी माँ तू मुझे प्यारी। ए, मैं उनके साथ जाकर बैठा। हाँ ठीक है। कैसे हो भाई? नमस्ते। आओ राजा, कैसे अचानक इस तरफ? साइकिल की सीट ठीक नहीं है, इसे ठीक कराने आया था। कर देंगे। वो कौन है भाई जो उदास दिख रहा है, हाथ में पट्टी बंधी? मेरा दोस्त है, गांव से आया, इसकी बीवी गुजर गई इसलिए यहाँ लेकर आया। यहाँ कम से कम मन लगेगा इसका। वैसे भी हम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे, और मरने के बाद भी क्या दुनिया से लेकर जाएंगे, तो इनका जो दुख है वो हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। ए छोटे डपली बजा।
क्या बात है शंकर, परफेक्ट आर्टिस्ट ढूंढ कर लाए हो। ओके थैंक यू मैडम। मैडम गायत्री मैडम रेडी है, क्या उन्हें बुला लूं? हाँ हाँ बुला लो। रानी ये एक बार फुटेज देख लो ना, बहुत ही बढ़िया है। गायत्री यू लुक सो नाइस, द्रौपदी के कैरेक्टर के लिए ये लुक बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू रानी, सच बताऊं इन कपड़ों को पहनने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ में काफी ताकत आ चुकी है। अब क्या करना है हमें? ये लाठी मास्टर ही द्रौपदी के हस्बैंड प्रभाकर का रोल करेंगे। अभी वाले सीन में वो तुम्हें लाठी चलाना सिखाएंगे और तुम्हें सीखने की एक्टिंग करनी है। ओके रेडी, चलें क्या? एक्शन। कट। नाइस, नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं। ठीक है मैम। अरे भाई वीकेंड रेडी हो गया? वो क्या ला कर रखा है, मैं जाकर लेकर आता हूँ, तू यहीं रुका है। जैक मैं जरा 5 मिनट में आता हूँ। ओके हाँ, तू रेस्ट कर ले। जैक बोलो भाई, कोई एक शरीफ सी लड़की देखकर उसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? पैसे वाली लड़की को ढूंढना, उससे जिंदगी में क्या मिलने वाला है? कौन भाई ने बताया क्या? अरे भाई तो मेरे बारे में अलग ही सोचता है, इस सर के ऊपर बोझ रखने के बाद भला कौन अपनी लड़की हमें देगा? मैं पढ़ा नहीं हूँ ना, तो फिर पॉलिश करके ये काम करके घर लेकर सेटल तो नहीं हो पाऊंगा ना, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अभी तक नहीं बढ़ा तो वो तेरी गलती है, दिल पर हाथ रख के बोल कि जो बोल रहे हो गलत नहीं है। गलत नहीं है, देखो भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो, एक काम करो बड़े घर की लड़की से शादी करो तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। क्या भाई सही कहा ना? करेक्ट करेक्ट, तुम तो मेरी हर बात पर करेक्ट करेक्ट बोल रहे हो। पता है मुझे एक लड़की अच्छी लगने लगी थी, जब मैंने उससे पूछा कि तुम उससे शादी करोगी तो उसने बोला कि मेरे तो 5 बच्चे हैं। मैंने कहा कि उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तू एक उम्मीद में जी रहा है, वैसे तुम जैसे को सीधा कैसे करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। प्रभाकर इधर आ। देख भाई जैसा तूने बोला था बिल्कुल वैसा ही साइकिल तैयार किया है, ठीक है ना? ये भी चलेगा ना? चलिए। जैक जैसे लड़कों के दिल में जहर घोल दिया है, उसके लिए हमें बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। ठीक है, लेकिन इसे लेकर यहां क्या करने जा रहे थे? भाई भाई 7 रुपए की चाय है, पियोगे क्या? हाँ चलेगा ना। ए दुकान देख, मैं चाय पी कर आता हूँ। ठीक है भाई। सात रुपए हुए। सुनो तुम रोज आया करो, वो गेट में कुमार नाम का चाय वाला है, अरे चाय के नाम पे गरम पानी पिलाता है, उसकी चाय से तो नींद आती है मुझे, डेली आना है। अरे ये कौन है, मेरा धंधा पर बात करेगा क्या? भाई चाय। ए तेरी चाय है कि गरम पानी है? वहां जाकर चाय पी, चाय क्या होती तेरी समझ में आ जाएगा, पैसा मैं दे दूंगा। अरे क्या भाई, यार बाबू इसे भगा यहां से। ए चल निकल। ए भाई 10 मिनट में यहाँ से निकल जाना, मैं दुकान चला रहा हूँ ना, मेरे वेट पे लात क्यों मारते हो तुम? भाई थोड़े दिन की बात है, उसके बाद मैं खुद अपने गांव चले जाऊंगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। क्या एडजस्ट करने का? ए तो यहाँ पर चाय बना कर देगा, यहाँ के लोकल लोगों से 4 बातें मुझे सुननी पड़ेंगी, तू निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगा, तुमसे जो होगा कर लो। देख लूंगा तुझे। ए हाँ लगता अच्छी चाय हमारी नसीब में नहीं लिखी है यार। मामू लोग अपना हफ्ता मांगने के लिए। ओ चेक शर्ट, जरा टोपी हटाओ। भाई तुम वेलुपुरम के लाठी मास्टर हो ना? यहां पे कस ये यही दुकान लगाएगा, ठीक है ना? मैंने बोल दिया। क्या सर, चल निकलना, चल भाग। बेल मिल गई क्या? खुशी हुई मुझे। आपको कोई तकलीफ हो तो बताइएगा, मेरा नाम दे सकते हैं आप, मानिक है मेरा नाम, ठीक है ना?
भाई आपका भी जवाब नहीं, इतने खड़ूस आदमी को कंट्रोल कर लिया। भाई मेरे दुकान के बाजू में दुकान लगा लो, मैं सबसे मिलवा भी दूंगा, आ जाओ। अरे कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन। चाचा सुनो ना भाई। अच्छा सुनो चाचा। क्या हुआ? आज से चाय पीना हो तो वहाँ की मत पीना, ये अपने दोस्त से चाय पी लेना। अच्छा क्या भाई, तुम्हारा गांव कौन सा है? विलुपुरम तालुका सेनामंगलम। हाँ वो तो मेरा भी गांव है, पता है मुझे गांव गए हुए बहुत दिन हो गए, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्लास है क्या? हाँ है ना। एक चाय लेकर रेडी रहो, मैं वापस आकर तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ, समझ गए ना? ठीक है ठीक है। भाई गांव के छोटे छोटे लड़कों की आप शादी करवा रहे हो, मेरी भी किसी से शादी करवा लो ना भाई। ए तू दिन भर में एक बैग तो बेच नहीं पाता है, जिस दिन तू एक दिन में 10 बैग बेचेगा ना उस दिन मैं तेरी गांव की किसी लड़की से शादी करवा दूंगा। हाँ ठीक है चलेगा भाई। तो तैयार हो? जी तैयार हूँ। चलो चलते हैं, ढंग से काम करना। सर को चाय दो। जी आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए आपको सब कुछ मिल जाएगा। साहब हाँ, लड़का अपने ही गांव का है। अच्छा। कंपाउंड में चाय की दुकान लगाता है। नमस्ते। हाँ। चाय बहुत अच्छी बनाता है। सुनो भाई साहब को एक चाय दो। जी जी बस बस बस। 9, 10, 11, 12 चाय अच्छी है। मणि साहब ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं ना इनको बोलो कि चाय सबको पिलाया करें। ठीक है। नाम क्या है इनका? प्रभाकर। प्रभाकर अच्छा नाम है, चाय भी अच्छी बनाते हैं। चलो अच्छा। ये हमेशा मरता ही नहीं है, अभी तक मैं इसको कैसे मारता हूँ। भैया ड्रेस चेंज करने के लिए रूम चाहिए था। खुले में बदली करने के 50, रूम में बदली करने के 200, क्या बोलती हो? तो फिर रूम ही दे दो। ए लेके जा रूम में। भाई आप जाओ ना, मैं गेम खेल रहा हूँ। तेरा मुंह नोच लूंगा एक दिन में। फोन दिखा, लेके जा उसे। हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। चलो भाई कौन है ये सब? क्या है ना तुम इस एरिया में नए आए हो, 10 मिनट में देखना क्या होने वाला है। भाई देखो रेडी है। माँ बाप आए हैं क्या? नहीं भैया। ओहो रजिस्ट्रार बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, माँ बाप के बिना वो रजिस्टर करेगा नहीं। एडवोकेट से सारी बातें हो चुकी हैं। कौन एडवोकेट? भाई नमस्ते। अच्छा नमस्ते। अपना भाई है, कोई भी आएगा तो कटिंग के बिना छोड़ेगा नहीं। आजो, आजो, चलो। लगता था जो पैसे मिलने वाले थे वो भी गए। कैसे ये लड़कियां इतनी हिम्मत करती है भाई, सोकर उठी और नाइटी में सीधा यहाँ पर आ गई और यहाँ आकर कपड़े बदल कर शादी करने जा रही है। अरे आप भी ना भाई, यहाँ आने से पहले आधी शादी हो चुकी होती है, यहाँ के लड़के डरते हैं, अब क्या करे बेचारे, वो भी कैसे रजिस्टर करना है, कितना खर्चा होगा, इन लड़कों को कुछ भी पता नहीं होता है। लड़कियाँ प्यार मोहब्बत में फंसा देती हैं और फिर घर का रोना रोने लग जाती हैं कि मेरा बाप मेरा सब कुछ है, मैं अपनी माँ की इच्छा के खिलाफ नहीं जाऊंगी। मुझे तो बस इन पे हंसी आती है, पर मैं भी क्या करूँ, मुझे पैसों से मतलब है, पैसा मिल जाए बस। आप तो यही हो ना, सब मालूम पड़ जाएगा। ये लीजिए चाय पीजिए, पैसा मत दीजिए, संभल के जाइए। शुक्रिया। क्यों भाई 7 रुपए में चाय पिलाते हो? दिन भर में 500 रुपए कमाओगे तो शहर में आराम से भाड़ा देकर रह सकते हो तुम, पर लगता नहीं तुम यहाँ कमाई करने आए हो। बुजुर्ग आदमियों को तुम फ्री में चाय पिला रहे हो, तुम्हारा अंदाज ही अलग है। अकेले रहना कैसा होता है मैं जानता हूँ, ये भी बिल्कुल मेरी तरह ही है। अभी अच्छाई का जमाना नहीं है भाई, मैं तो ना ये बैग बेच कर भी अपने घर का गुजारा नहीं कर पाता हूँ, साइड में ब्रोकर का काम भी करता हूँ। अरे सुनो यहाँ पे लोग चोरी से शादी करने के लिए आते हैं ना, उन लोगों से प्यार से बात करके करुणेश भाई के पास पहुँचा देता हूँ, 500 कमीशन मिल जाता है। ओके भाई। अच्छा करुणेश भाई यहाँ हमेशा आते जाते रहते हैं क्या? अगली बार आएंगे तो बताना मुझे उन्हें देखना। हाँ ठीक है भाई। हाँ अरे लो करुणेश भाई भी आ गए। भाई नमस्ते। नमस्ते मेरे लड़के आए थे क्या? हूँ भाई। चाय पियोगे? अच्छी चाय बनाता है। अरे ये सब नहीं चाहिए। अच्छा ऐसा लगता है इसे कहीं देखा है, कहाँ से हो? इधर का ही हूँ भाई। ऐसी बात है। अच्छा ठीक है, कल सिंगल पट्टी से कुछ लड़के रजिस्ट्री करवाने के लिए आएंगे, उनका तुम ख्याल रखना। ठीक मैं 11 बजे तक आ जाऊंगा, जल्दी आ जाए तो कॉल करना।
क्या यार, गांव में तुम कैसे रहते थे, यहाँ तुम्हें देखकर दुख हो रहा है। एक वादा पूरा करने के लिए इंसान को कभी कभी बदलना पड़ता है। तू यही सोच रहा है ना कि करुणेश के साथ मैंने सीधे मुंह कैसे बात की? उसके मौत की तारीख मैंने मुकर्रर कर ली है। एकदम सही कहा, बचना नहीं चाहिए किसी कीमत पे। अच्छा अब ज्यादा बोलो मत, पहले मुझे कहीं घूमने। ये सलीम भाई कौन है? हाँ मैं ही सलीम हूँ, सिंगल पट्टी से आ रहे हो ना तुम लोग? हाँ मुझसे भाई ने कहा था, भाई 11 बजे तक आ जाएंगे, तुम लोग वेट करो ठीक है? भाई थोड़ा देखिए ना, मैं जरा जाके रहता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, वो कराओ। ठीक है, भाई कौन है ये? भाई 10 मिनट देखो ना, मैं बाथरूम से आता हूँ। ठीक है, जा क्या? क्यों मैडम, आप छोटी लगती हो, ये सब तुम्हें गलत नहीं लगता? पढ़ाई करती हो क्या? कॉलेज फाइनल ईयर। किस गांव की हो? सिंगल पट्टी। पढ़कर अच्छे से काम पर लगने के बाद घर वालों से बात कर लेती ना, इतनी जल्दबाजी क्यों? उसके साथ मोबाइल पे बात कर रही थी और तभी घर वालों ने पकड़ लिया। ये दूसरी जाति का है ना, इसलिए घर वाले मानेंगे नहीं, शादी कर लूं तो मेरे पापा आत्महत्या कर लेंगे। ये सुनकर मैं डर गई और इसीलिए यहाँ आ गई। आगे मतलब बाप मर जाएगा तो चलेगा? दोनों में ज्यादा अहमियत किसकी है ये सोचिए ना। ऐसा नहीं है कि मुझे पापा की पड़ी नहीं है, लेकिन उनकी तो उम्र हो गई है, मेरी तो पूरी जिंदगी बाकी है, इसीलिए मैं भाग कर यहाँ आ गई। देखो इधर आओ। क्या हुआ चाचा? आओ तो, ये सब बातें यहाँ नहीं करने का, ऐसी बातें करने के लिए यह जगह सही नहीं है। उस करुणेश वकील को पता चलेगा ना तो वो तुम्हें जान से मार देगा। फालतू बातों पर ध्यान मत दो, जो करने तुम आए हो भाई वही करो ना। हाँ, समझ गया। हाँ। ए, मेरा काम हो गया। अरे वो लोग नहीं, वो लोग आ गए। हाँ भाई यही लोग हैं। ए, पकड़। शादी अच्छे से हो गई ना, है ना? सब कुछ अच्छे से हो गया ना? हाँ, तुम लोग दुल्हन को लेकर कहाँ जा रहे हो? रिंग रोड के घर पे एक फ्रेंड का घर है, वहाँ जा रहे हैं। लड़की के घर पे बहुत मचमच है तो इसलिए हम लोग वहाँ पे रहना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग फिर वहाँ पे जा रहे हैं। हाँ जो तुम बोल रहे हो सही है, वैसे भी तुम लोगों की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारा सेफ रहना जरूरी है। हाँ सही बोले भाई। इसे 5 दिनों तक ऐश करने दो, बाद में 4-5 लोग जाकर इसके घर वालों से बात करेंगे। ठीक है चलेगा भाई। अब तुम लोग यहाँ से जाओ, शाम को 5 बजे सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा, आकर साइन करके ले जाना। चलेगा भाई। भाई क्या हुआ भाई, ये सब क्या है? मैरिज सर्टिफिकेट एक ही दिन में मिलता है ऐसा बोल रहे हैं? अरे भाई कौन से जमाने में जी रहे हो तुम, पैसा दो और 1 घंटे में मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये लोग ना गूगल में ऐड देकर बहुत पैसा कमाते हैं। हर दूसरे दिन एक आध ऐसी शादी हो ही जाती है ना भाई। भाई अरे जरा इधर आना, ये लो सब कुछ अच्छे से हो गया, अगले हफ्ते एक और जोड़ी आएगी, ठीक है? मैं तुमसे मिलूंगा। हाँ भाई नमस्ते, आना है? भाई एक छोटा सा काम है, मैं अभी जाके आता हूँ। ठीक है चलेगा। हे तू भी पिएगा ना? हाँ भाई पियूंगा। ठीक है छोटे यहाँ ना। हाँ बोलिए भाई। एक बियर जी, एक ब्रांडी, एक हाफ बोतका और कुछ चखना लेकर आ जाओ। ठीक है भाई। टेंशन मत ले और पी ले। भाई, हाँ भाई मैं व्यासवाड़ी जंक्शन के वाइन शॉप से बोल रहा हूँ, करुणेश यहीं पर है, आते वक्त रॉड लेकर आना। 10 मिनट में पहुंचता हूँ मैं, ठीक है? क्या बोल रहा था तू कि लड़की के घर में बहुत ज्यादा मचमच है? क्या भाई लड़की बहुत ज्यादा माल वाली है क्या? 20 एकड़ की खेती है भाई, 5 एकड़ में फूलों का बाग है और 5 एकड़ में पान के पत्ते का, इन सब का साल में 20 लाख आता है, तो फिर सोच लो। उसका बाप हमेशा लड़की को गाली देता रहता है भाई, और इसी का फायदा उठाकर मैंने उसको पटा लिया भाई। भाई ये पकड़, कहाँ है वो? लगता है अंदर दारू पी रहा है, थोड़ी देर में वो आ जाएगा, हम लोग उसका बाहर ही वेट करेंगे। भाई आप भगवान हो भाई, आपने मेरी शादी करवा दी, वाइन शॉप में लाकर अपने हाथों से आपने मुझे पिलाई, पूरी दुनिया में लालटेन लेके घूमूंगा ना तो भी आप जैसा अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है भाई, आप तो सच में हमारे लिए भगवान हो भाई। हे कैसी बात कर रहा है तू, गांव में किसी की भी शादी करवानी हो तो मुझे बोल देना। एक बार बोल दिया ना, अपने लड़कों के आप ही गुरु हो भाई,
वाह। भाई क्या हो गया? अड्डे पर आ जा, अभी काम कर रहा हूं मैं भाई। अरे जल्दी आ। ठीक है मैं आता हूं भाई। भाई क्या हो गया? बकरा फंस गया है, थोड़ा घास खिला, समझा? हाँ ठीक है भाई। संभाल कर ले चल। ऐसे ही लोग लव करेंगे तभी अपना धंधा चलेगा। प्रभाकर, अरे वो आ गया। चल इसको पकड़, बिठाओ उसे। अब तो निकल, मैं देखता हूँ। आराम से, आराम से। हाँ, आजा। आ गए लगता है, कितनी देर कर दी। कहाँ थी मारी, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। क्या hey, हो गया है इसे? अब लेट जा तू। अरे संभल, संभाल कर। हाँ ऊपर चल के देखेंगे। वो क्या है, आज खुशी में इसने ज्यादा पी ली। ये शराब भी पीता है क्या? पीता है, अरे बहुत ज्यादा पीता है। ये पीता है ये बात मुझे अभी अभी पता चल रही है। अरे चिंता नहीं करने का, वैसे भी तुम्हारा मैटर कुछ अलग है। देखो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट मतलब? hey, तुम जैसा सोच रही हो वैसा आदमी मैं नहीं हूँ। उसके लिए अपने पास बहुत ऑप्शन है। अभी तो मैं सिर्फ तेरा एक वीडियो बनाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसके बाद मैं तेरे बाप से बात करूंगा। देखिए मैं इसके भरोसे यहाँ आई हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अगर मेरे पापा ने देख लिया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। जब तू घर से भागी थी तो बाप की चिंता नहीं हुई थी? मुझे जाने दीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। कपड़े उतार। उस लड़की को कपड़े उतारने के लिए कह रहा है। अरे सोच क्या रहा है, अंदर जाके खत्म कर दे उसे। थोड़ा सब्र कर दे। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो इसे काट दूंगा। इसे काटने के बाद मैं तुझे भी काट दूंगा और पूरे गांव में बोल दूंगा कि इसके मामा ने इसे मार दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, इसे छोड़ दीजिए, इसे मत मारिए। मेरी इससे शादी होती है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। है काटो इसे, इसने कुछ नहीं किया, मैं तैयार हूं। ये लीजिए, बहुत बढ़िया, अब जल्दी उतार। ऐसा क्यों कर रहे, ऐसा मत करिए। ये बिजली वाले भी टाइम टेबल कुछ नहीं देखते। अगर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करेगी ना तो तेरे पति की लाश रेल की पटरी पर मिलेगी। यहीं पर रुकना। तेरे लिए आया हूं। छोड़ दे मुझे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, माफ कर दे भाई। गायत्री हाँ? ये वीडियो देखा क्या? कौन सा वीडियो? चेन्नई के बसारवारी एरिया में
लीगल एडवोकेट को एक सुनसान जगह पे मारा गया। उसकी वजह से उस एरिया में बहुत ज्यादा हंगामा हो गया। पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे और फिर FIR दर्ज करके वहाँ पे पूछताछ करने लगे। अब देखते हैं आगे की न्यूज। कौन है ये एडवोकेट, तुम इसे जानती हो? हमारी डॉक्यूमेंट्री में जो एडवोकेट का कैरेक्टर है, हाँ? वो यही ओरिजिनल कैरेक्टर है। ओ, तो द्रौपदी के साथ जैसा अत्याचार हुआ, मुझे लगता है ऐसा किसी और के साथ भी हुआ होगा। हाँ सही कहा, हमेशा लोगों को परेशान करता रहता है, वहाँ भी किसी को किया ही होगा, इसीलिए मारा गया। मैडम शॉट रेडी है। तुम कंटिन्यू करो, मैं इस एडवोकेट पर एक ब्लॉग बनाती हूँ और ट्वीट करती हूँ। चलो। भाई। हाँ बोल छोटे। भाई हुआ क्या? कल वो नशे में था, बहुत मचमच हुआ ऐसा लगता है। किसी ने खींच के इसके सर के बीच में एक रॉड मारा, फिर इसके सिर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो गया था और खून खून हो गया, ऑन द स्पॉट ये मर गया। बॉडी सर, पोस्टमार्टम हो गया है, आप जाकर बॉडी ले लीजिए। हाँ ठीक है। ओके सर। ए, हे करुणेश, ये तेरे मरने की उम्र है क्या? इतनी जल्दी चला गया। एक बात बताता हूँ, तुझे मारने वाला चाहे कोई भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई इतना डल दिख रहे हो? कुछ नहीं भाई, सुबह जब से मैंने वो लाश देखी है ना, मेरा मन अजीब सा हो रहा है। उनसे मेरी अच्छी कमाई हो जाती थी, इसीलिए अब डर लग रहा है भाई। गलत काम तो जानते हो ना, तो फिर उसे छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने किसी को बोला नहीं, लेकिन आपको बोलता हूँ। क्या हुआ कि 3 साल पहले ना मैं गिर गया था, तब से मेरी एक आंख से ना मुझे धुंधला सा दिखाई देता है। उसके इलाज में कम से कम 25,000 का खर्चा आएगा, इसीलिए मैं ब्रोकर का काम करता हूँ। फिक्र मत करो भाई, हर बात का सोल्यूशन होता है, लेकिन तब तक ये सारे काम करना बंद ही कर दो भाई। ठीक है भाई। बेटा आज मेरी बीवी का उपवास है, इसीलिए मेरी बेटी खाना लेकर आई है, तुम्हारे लिए भी लाई है, आओ खाते हैं। हाँ, चलो। नहीं भाई सुनो ना, आप चले जाओ, मैं वो मोर्चरी गया था ना, इसलिए नहाकर नमाज पढ़ के आऊंगा। ठीक है। अरे मेरा लाडला, नाना खाना खाएंगे, माँ के पास जा। चाचा ये आपकी बेटी और नाती है क्या? मेरी बेटी और नातिन है। जब मैं अपनी बेटी के बारे में सोचता हूँ, तू ऑफिस के पास जाकर बैठ बेटी, मेरे जीने तक तो इनका गुजारा हो जाएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा। क्यों चाचा, दामाद तो है ना? हाँ दामाद तो है, पर वो मेरे परिवार को बर्बाद करने आया है। अरे बेटा वो बहुत बड़ा शैतान है, मेरी बेटी को उसने प्यार के जाल में फंसा लिया, और मेरी भोली भाली बेटी ने उसे शरीफ समझकर शादी कर ली। जब ये पेट सी थी तो वो किसी और के साथ भाग गया। ये है मेरी किस्मत, हमेशा सोचता हूँ कि इसमें इस बच्ची का क्या दोष जो उसने इसे छोड़ दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। इस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि इसका बाप कौन है। जानते हो बेटा, जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मेरा दिल रोता है कि इस बच्ची का क्या होगा। बस यही चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है बेटा। चाचा मेरी एक मदद कर सकते हो क्या? बोलना बेटा, तू जो भी बोलेगा मैं तेरे लिए करूंगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है सर, अक्यूज्ड कौन है मैं जानता हूं, अगर आप परमिशन दें तो उसे अंदर करके दो लगाऊंगा ना, सब कुछ बक देगा सर। सर आओ अरुण, बोलो क्या हुआ। हाँ सर। हेलो सर, आप थोड़ा वेट कीजिए मैं बुलाता हूँ। ओके सर। बोलिए सर, कोई इमरजेंसी है, आपने मुझे बुलाया? इस वीडियो को जरा देखो। कौन है सर ये? मास्क वास्क पहन के खून कर रहा है, और ये विक्टिम कौन है? 2 दिन पहले एक एडवोकेट का मर्डर हुआ था, तुम जानते हो क्या? हाँ सर। हाँ तो ये वही वीडियो है,
उसी ने किसी को मारकर उसका वीडियो बनाकर रिटर्न बाय मेल आईडी से भेजा है। ओ सीक्रेट ईमेल आईडी है, इसके लिए आपको बुलाया मैंने, एक बार इसे देख लेना। ठीक है सर, आपके पास कोई डिटेल है इस क्या? वीडियो के साथ में एक मैसेज भी भेजा है, तुम्हारे एरिया का जो एडवोकेट है वो लड़कियों का धंधा करता था और आप उस पे एक्शन नहीं लिए इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। अब से कोई भी क्रिमिनल अगर ऐसा करता है और अगर आपने उस पे कार्रवाई नहीं की तो मैं ऐसे ही कत्ल कर दूंगा। ओ, तो आप पे प्रेशर आना चालू हो गया है। वैसे एडवोकेट कर्णेश की कोई डिटेल है क्या आपके पास? उसकी जो डिटेल्स है मैं वो लोकल इंस्पेक्टर को देने को कहता हूँ। एक और बात है अरुण, ये वीडियो सिर्फ मुझे ही भेजा है, दूसरे किसी हायर ऑफिसर को नहीं भेजा है। अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पे आ गया तो मुझे ही लिंक कर देंगे, तो यूनिफॉर्म के बिना ही इंक्वायरी करो और ये बात हमारे बीच में ही रखो। साइबर क्राइम से बात करके मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। कैसे हैं सर? मैं तो बढ़िया हूँ, आज सिविल ड्रेस में हूँ। हाँ सर, साइबर डिपार्टमेंट वालों ने कहा तब से घर से ही काम कर रहा हूँ। मुझे कहा गया कि स्पेशल इंक्वायरी, कोई बड़ा केस है क्या? जो मरा वो एडवोकेट था, पब्लिक प्लेस में मर्डर हुआ है और मर्डर ने वीडियो भी हमें भेजा है। आपको किसी भी तरह सर्च करके वीडियो अपलोड का आईपी एड्रेस निकालना ही होगा ताकि मर्डर को पकड़ सकें। ठीक है सर, मैं टीम को इकट्ठा करके इंक्वायरी करता हूँ और आपको रिपोर्ट करता हूँ। नमस्ते सर, आइए बैठिए। नमस्कार, प्लीज हैव अ सीट। सर ये लीजिए। थैंक यू सर। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या, कोई सीसीटीवी फुटेज या फिर इस एरिया में कोई विटनेस हो? सर वो एक सुनसान जगह है सर, वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है सर। जहाँ तक मैं सोचता हूँ सर कि ये सीधा सीधा रिवेंज का केस है सर। रिवेंज का केस, आप जरा खुलकर बताएंगे? लेकिन मरा हुआ आदमी एडवोकेट नहीं था सर, फेक सर्टिफिकेट लेकर गाँव गाँव घूमने वाला एक ब्रोकर था सर। वो जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन भी एक नवविवाहित दुल्हन को डराकर उसका अश्लील वीडियो बनाना चाह रहा था। वो तो बिजली चली गई और वो लड़की वहां से भाग गई सर। मैंने ही बाद में उस लड़की को ढूंढकर उसके पेरेंट्स से मिलवाया था सर। ऐसा ही किसी और के साथ किया होगा, उसने बदला लिया है। मुझे तो ये सीधा सीधा केस लगता है सर। देखिए वो अच्छा था या फिर बुरा, इंक्वायरी करके रिपोर्ट करना ही हमारा काम है, बाकी सारा काम कोर्ट का है। जैक, हाँ तू जैसा बोला था वैसे एक लड़की हमारे गाँव में, खूबसूरत भी है। बहुत अच्छा। बस उसका एक बाप है और थोड़ा सा पागल है, 5 करोड़ की जायदाद है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया भाई। एक ही लड़की। अच्छा ये बताओ उसकी फोटो है क्या? ये तो जबरदस्त है, इससे मेरी शादी हो जाएगी। लड़की का नाम है लक्ष्मी। हाँ बिना लड़की के रजिस्टर करके शादी करवा कर उसका सर्टिफिकेट लेना मेरी जिम्मेदारी। बिना लड़की के शादी हो सकती है? उसे दिखाकर उसके घर वालों को हाँ। हम लोग मना सकते हैं। सही है। बस तू दामाद बन के घर में जाएगा तो मुझे 20 लाख दे देना। ठीक है डील ना? हाँ। तो दूसरे दिन तेरी शादी। अरे भाई तुम मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर रहे हो, कहीं बाद में मैं भाग गया तो? तेरी फोटो और राशन कार्ड मुझे दे दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। सही कहा। हाँ अरुण, आपको जहाँ से मेल आया था उसका आईपी एड्रेस कनाडा का है। अच्छा एब्रॉड से लॉगिन किया गया है। ऑफिशियली इस केस को मूव करेंगे तो क्लू मिलने के चांसेस हैं सर। बेसिकली आप इसका इंक्वायरी कीजिए, अगर वो वीडियो ऑफिशियली रिलीज किया है तो हम ऑफिशियली केस मूव कर सकते हैं। ओके अरुण। ओके सर। सुनो यहीं पे रुको। मोड़ नंदा स्पॉट यही है ना? हाँ सर यही है। ये एरिया काफी एक्टिव लग रहा है ना? हाँ सर, यहाँ कैसे मर्डर किया होगा? हे, देखो वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हाँ यस सर। पर रिपोर्ट में इंस्पेक्टर ने सीसीटीवी कैमरा का कोई जिक्र नहीं किया था। हाँ सर। उसने बिना जांच पड़ताल किए हुए रिपोर्ट में ऐसा कैसे लिख दिया? इंस्पेक्टर ऐसा क्यों करेगा सर? क्यों किया है यही पता लगाना। ठीक है सर, मैं फुटेज लेकर आता हूँ। सुनो हाँ? 2 दिन पहले एक एडवोकेट का यहीं पे मर्डर हुआ था ना? हाँ जी। वो यहाँ किससे मिलने के लिए आया था? अरे वो कालिया है ना, उसी से मिलने आता है वो। हाँ। और ज्यादा जानना है तो वो कटिंग वाला है ना, उससे पूछ लीजिए, सब कुछ बता देगा, बहुत हाँ। कुछ जानता है वो। कुमार ना? हाँ। कुमार नाम वाला ही मर्डर लग रहा है मुझे तो। सलाम सर, कटिंग करना है शेविंग? कटिंग करनी है। ठीक है आइए ना सर। तुम एडवोकेट करुणेश के राइट हैंड हो ना? सर राइट वाइट कुछ नहीं होता है, वो यहाँ आकर कटिंग वटिंग करवाते हैं और साथ में कुछ नहीं। आप वो सामान रख दो ना सर, आप कौन है? मैं कौन हूँ ये जान के क्या करेगा तू? बैठ। सुन सर, वो यहाँ क्यों आता था बोल। सर मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर ली सर। ले लिया तुमने? जी सर। ठीक है चलो इसका वीडियो बनाओ। ओके सर, शुरू कीजिए सर। एडवोकेट करुणेश यहाँ पर क्यों आता था, ये कोई ऑफिस है क्या?
सर ऑफिस तो नहीं है सर। तो फिर वो यहाँ क्यों आता था? गांव से जो भी लव करके लड़का लड़की आते थे ना सर, वो उनके ढोले को जाकर फुल नशा करवाते थे सर, और फिर वो लड़की का सारा कपड़ा उतर कर वीडियो बनाते थे, और फिर वीडियो उनके माँ बाप को दिखाकर उनसे पैसा लेते थे सर। वो ढोले को पूरा पिलाकर मुझे वहाँ पे बुलाया था सर कि उसको यहाँ पर लेकर आना है, तो मैं उसको उठाकर यहाँ पर लेकर आया। उसके बाद मैं नहीं पता सर कि क्या किया उस ढोले के साथ। जो लोग गांव से भाग कर आते थे उनके साथ वो ऐसा करता था, है ना? सर सबके साथ ऐसा नहीं करते थे, कम से कम 60-70 लड़कियों का वीडियो उन्होंने बनाया होगा सर। 60-70 लड़कियां? एडवोकेट करुणेश का मोबाइल अभी किसके पास होगा? वो मोबाइल डिपार्टमेंट के रैक में ही है सर, मैं दे दूंगा। रैक में ही होगा ना? ये भाई आ रहे हैं, उनका इज्जत विज्जत सम्मान उम्मान बराबर देने का है, लेकिन ज्यादा ओवरसीन करने का नहीं है। ओ भाई टाइम हो गया, अभी तक भाई आए क्यों नहीं है? दो चाय देना भाई। ए भाई भाई की गाड़ी आ गई, चलो चलो बाजू बाजू बाजू, रेडी 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 है, रेडी। हाँ हाँ आराम से, हाँ भाई आराम से आराम से। नमस्ते 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 भाई सर, नमस्ते नमस्ते करना। हाँ भाई ठीक है भाई, आइए 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 भाई। भाई एक फोटो भाई। ए फोटो फोटो है, फोटो फोटो मत करो। ए पीछे पीछे, ए फोटो दे अच्छा भाई। यही वो दुकान है क्या? भाई इसका छोटा भाई इसका ऑनर है भाई, भाई आप कट कर दो ना भाई। अच्छे से बांधा है ना, लाओ भाई कट कर देते हैं। जबर भाई जबर भाई, मुबारक हो, अच्छे से कमाओ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अपने करुणेश को मरे हुए एक हफ्ता हो गया है ये हम सब जानते हैं, इसीलिए इस दुकान की ओपनिंग कम खर्चे में की है। हाँ भाई, हाँ। मैं जब भी चेन्नई आता था तो वो सब देख लेता था, लगता है अब एक हाथ कट गया है मेरा। उसे मारने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मिल गया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैंने और करुणेश ने मिलकर कितने मामलों को सुलझाया है जानते हैं ना सब, अब उसके बिना मैं असहाय हो गया हूँ। इस सब की अभी अहमियत नहीं है, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, खेती का मामला, पैसों का मामला, लड़कियों का मामला, सब जमा करो, मैं सब देख लूंगा, सब ठीक कर दूंगा। यहाँ पर जिसके भी जो भी काम रुके हैं मैं उन सब के लिए परमिशन लेकर आऊंगा। मूर्ति एक मिनट। आ दो भाई, मुझे बहुत जोर की सुसु लगी है। भाई यहाँ मत कीजिए भाई, गंदगी है, अपना घर बाजू में। अरे हम क्या यहाँ नहीं है, मैं कहीं भी कर लूंगा। हाँ ठीक है भाई। हाँ तू कहाँ आ रहा है, मैं देख लूंगा, जा भाई सेफ्टी के लिए भाई आपके। नहीं नहीं मेरे पास हथियार है, मैं देख लेता हूँ, जा। ठीक है भाई ठीक है भाई, हिम्मत वाले हैं भाई बहुत। Hey. उस तरफ जाबे जाना। हेलो बोल रवि। कहाँ भाई आप? हाँ ए एक मिनट। ए चल चल, अपने गांव में कोला कंपनी शुरू करने का प्लान कर रहा है पट्टू। वो चाहे कुछ भी सोच ले, वो हमारे आगे कुछ भी नहीं कर सकता। कट। ओके शंकर, बाला गायत्री यहाँ आओ। ये फुटेज देखो ना। क्या बात है रानी? आई फील समथिंग फिशी इज हैपनिंग अराउंड इन दिस केस। क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है, हमारी डॉक्यूमेंट्री में जो एडवोकेट का कैरेक्टर था उसका 6 दिन पहले मर्डर हो गया, अब उसमें जो पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है उसको भी गला काट कर मार दिया गया है। इसका मतलब है द्रौपदी के केस में बैक टू बैक कुछ न कुछ होते ही जा रहा है, द्रौपदी को जानने वाला कोई तो बदला ले रहा है। नो वे, सिर्फ उसका हस्बैंड ही जिंदा है और वो भी इस वक्त जेल में है। तो फिर मुझे लग रहा है कि इस केस में कोई बाहर वाला ही शामिल है रानी। हाँ है, एक रजिस्ट्रार और एक स्टूडेंट, मैं उसी पर एक ट्वीट करने जा रही हूँ। आप एक काम कीजिए, हाँ? अभी के अभी रजिस्ट्रार के ऑफिस चले जाइए और वहाँ से कुछ बाइट्स शूट करके लेकर आइए। ठीक है रानी। और अपने शूट के लिए मैं कल दूसरी टीम ले जाऊंगी, फुटेज आपको ऑफिस में दे दूंगी। श्योर, ठीक है मैं चलता हूँ। उससे पूछो। ए, सुन मूर्ति कहाँ पर है? सर वहाँ है, जाओ उसे बुला के ले गया।
माया ओ मूर्ति, आप कौन है भाई? ए, पुलिस डिपार्टमेंट से। बाहर नीचे कर ले। संजीव शिखर के बारे में आप ही बात कर रहे थे ना? हाँ जी। तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी ये बोलो। दुश्मन? मौका देखकर तुम्हें टपका दिया। ये क्या सर, आप ये क्या कह रहे हैं सर? वो हमारे पक्ष के ताज थे सर। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ सर। मैं एक राज की बात बताऊँ सर, मेरा तो कोई वजूद नहीं है सर। एक्टिंग कर रहे हैं तू। मौका देखकर दिन दहाड़े तूने उसे मारा और फिर उसका वीडियो वायरल कर दिया सर। काम के बहाने तूने उसे बुलाकर उसका काम तमाम कर दिया। क्या सर, आप पुलिस हो तो कुछ भी बोलोगे सर। क्या सर, कसम से बोल रहा हूँ सर, वो हमारे भाई के जैसे थे सर, सच कह रहा हूँ सर। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है तू। जरा मोबाइल निकाल, जल्दी कर। ये लीजिए सर। तुमने नोट किया? सेम शर्ट है। ये जो चाय बेच रहा है ये कौन है? सर इसे तो एरिया में कभी नहीं देखा सर मैंने। दूसरे किसी फोन में इसका चेहरा भी आया होगा, देखकर बताओ। हाँ। पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना। हाँ ठीक है सर। सर चाय पियोगे क्या? नहीं। सर आपसे एक बात पूछनी है। वैसे ये बात पहले भी मैंने बोली है, अपना भाई एक लड़की से प्यार करता है, रजिस्टर मैरिज करना था, लेकिन भाई लड़की यहाँ पर आएगी नहीं तो। हो जाएगा, फिक्र मत करो। लड़की क्यों नहीं आएगी? वो ऐसा है कि बाप उसका थोड़ा सा खड़ूस है, इसलिए बिना लड़की की शादी करके सर्टिफिकेट के साथ उसके बाप के पास जाएंगे तो उसे मना लेंगे सर। 1,00,000 लगेगा, एडवांस 25,000 देना होगा, बाकी के पैसे रजिस्ट्री के समय देना। और हाँ, अगर हाँ कहोगे तो कल ही प्रूफ तैयार करके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा, तुम पैसे लेकर आ जाओ। ओके सर, पैसा रेडी करता हूँ मैं। चलता हूँ। ठीक है। हाँ, चलता हूँ। गुड इवनिंग सर। आओ अरुण, बैठो बैठो। क्या स्टेटस है अरुण? एक तरफ प्रेस, एक तरफ कमिश्नर, मेरा सिर खा रहे हैं। सर इस केस के अंदर एक और बड़ा केस छुपा हुआ है। वो एडवोकेट करुणेश लड़कियों का गलत वीडियो बना करके उसे वायरल करता था, उनके पेरेंट्स को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठता था, और हो सकता है कि उनमें से किसी ने परेशान होकर ये कदम उठा लिया होगा। अरुण मैंने इससे भी बहुत बुरी चीजें देखी हैं। मेरे सर्विस में लड़कियों को इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा हुआ 300 करोड़ कमाया हुआ पॉलिटिशियन को भी देखा है मैंने। मुझे लगता है कि उस मर्डर की कोई पर्सनल दुश्मनी होगी उस एडवोकेट से। यस सर, यू आर राइट। अक्यूज के बारे में कोई डिटेल्स है क्या? है सर। ये देखिए सर, जहां फर्स्ट मर्डर हुआ था उस जगह का सीसीटीवी फुटेज है, और साइकिल पर चाय बेचने वाला जा रहा है। सर ये सेकंड मर्डर की फोटोग्राफ्स हैं। ये दोनों एविडेंस एक दूसरे से मैच करते हैं सर। वो चाय बेचने वाला दोनों जगह मौजूद था, हो सकता है कि शायद उसने ही मर्डर किया हो। और सर हमें एक और क्लू मिला है, हो सकता है कि नेक्स्ट मर्डर रिपोर्टर रानी का होने वाला है। रजिस्ट्रार ऑफिस में निगरानी करके हम आसानी से उसका पता लगा सकते हैं। अरुण ये रख लो, तुम जाके पता करो कि ये सारे मर्डर्स क्यों हो रहे हैं। अक्यूज को फाइंड करो और रीजन पता करो, और फिर एनकाउंटर कर दो। जो भी होगा वो सब मैं देख लूंगा। तुम ये केस जल्दी से खत्म कर दो। ओके सर, श्योर। थैंक यू सर। ये कौन सी जगह? इस तरह का काम ऐसी जगह पर ही होता है। चल तो सही, सब पता चल जाएगा। पैसा तैयार है ना? हाँ है ना। आओ, पैसा लाए हो क्या? हाँ, कहाँ है ना? ये लीजिए। आओ। बैठो। कौन सा डॉक्यूमेंट? लैंड मैटर या फिर शादी का कोई मैटर है? चीटिंग मैरिज है, प्रूफ तैयार कर। डिटेल लिख कर दो, लड़की का नाम, बाप का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब लिख कर दे दो। लड़की का फोटो? सर ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ना? फिर नाम और एड्रेस देने से एकदम पक्का बना देंगे। ये गवर्नमेंट का बर्थ सर्टिफिकेट है, झूठ नहीं बोलता। श्योर, बाप रे। भाई लड़की 18 साल की हो गई है, कर देंगे। बना। आधार कार्ड गवर्नमेंट के वेबसाइट से ही दे देते हैं क्या? गांव से आए हो क्या? आधार कार्ड गवर्नमेंट वेबसाइट मगर यहाँ से नहीं मिलेगा। लेकिन 500 रुपए दोगे ना तो हिंदुस्तान में जितने भी आधार कार्ड है ना सब की डिटेल दे देंगे हम। सिर्फ वोटर आईडी तैयार किया तो बस।
सुनो भाई, सब तैयार हो गया। मैं लड़की को लेकर 10 बजे ऑफिस में आ जाऊंगा, तुम लड़के को लेकर आ जाना। बाकी के पैसे वहीं दे देना, उसके बाद मैं तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट वहीं पर दे दूंगा, ठीक है ना? ओके सर, ओके चलता हूँ। ठीक, चलता हूँ। लव करके रजिस्टर मैरिज करने वाले यंगस्टर्स को आप सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, पेरेंट की परमिशन से ही शादी करनी चाहिए। कई सारे लोग रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं चोरी से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत लोग यहाँ चोरी से शादी भी कर लेते हैं और वैसे उससे फायदा भी होता है, लेकिन शुरू में परिवार वालों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन लेकिन अगर मुझे चांस मिलेगा तो शायद मैं भी ऐसी शादी कर सकता हूँ। सब लोग इस तरफ आ जाइए, तुम लोग भी। बेटा तुम वहाँ रुको और लड़के वाले उस तरफ खड़े हो जाओ। क्या भाई, दूल्हा कौन है? ये है सर। लड़के, मैं हूँ सर। क्या तुम हो क्या, दूसरा आदमी नहीं मिला? हाँ सर। बच्चे कैसे हैं तेरे? और बाकी घर वाले? अच्छे हैं सर। हाँ ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो चलेगा। हाँ दूल्हे की तरफ से कौन है? वो लोग हैं सर। ठीक है बैठो। क्या प्रभा, चेक कर लीजिए सब तेरा इंतजाम है क्या? जी जी हाँ। यहां पर साइन कर दो। क्या वकील? हाँ, सर्टिफिकेट तैयार होने के बाद प्रभाकर दे देगा। क्यों, शाम को सब कुछ हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। हाँ ठीक है, भेजो इनको, चलो। हाँ चलो। लव करके रजिस्टर मैरिज जो करते हैं, आपका क्या ख्याल है? सर ऐसा कुछ होगा तो हमें भी फायदा होगा ना। ओके, और आपका? कोई आइडिया नहीं। ओके, यार आप? मुझे दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके थैंक यू सो मच। ए प्रभा। हाँ चाचा। यहाँ साहब बुला रहे हैं। बोलिए ना। सब कुछ इससे शूट कर लिया है, संभाल कर रख इसे। ठीक है। आओ प्रभा बैठो। मैरिज रजिस्टर हो गया है, ये सर्टिफिकेट 30 दिन के बाद मिलता है, तेरे लिए 5 घंटे के अंदर तैयार किया मैंने, मिठाई रेडी है ना? सर एडवोकेट कल देगा तो चलेगा बोला था, मैं अभी घर जाके लेके आता हूँ। क्या तू भी, सब कुछ पहले से इंतजाम करके रखना चाहिए ना, बाद में कोई नहीं देता भाई, फंसने के चांसेस होते हैं। तू एक काम कर, 2 दिन के बाद आके इसे ले जा। अरे अरे नहीं सर, मैं अभी अभी घर जाकर पैसा लाता हूँ और पियून से आपका एड्रेस लेकर आपके घर पे पहुंचा दूंगा। अच्छा ये काम पहले कर ले। सर रानी के फोन टावर की लिस्ट मेरे पास मैसेज में है, ये देखिए सर। दिखाओ। 10 दिनों से वैलुपुरम में ठहरी हुई है, 2 गांव के टावर अदला बदली हो रहे हैं। चेन्नई में मर्डर हुआ था, तब से वैलुपुरम में ही है। तो फिर इस केस के बारे में वो एकदम सही कैसे थी सर, कहीं उसने ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए तो नहीं किया? नो, वो बहुत ही प्रोफेशनल है, वो ऐसा काम नहीं करेगी, वो कंफ्यूज कर रही है। गुड मॉर्निंग मैडम। एडिटर कहाँ है? वो तो लंच के लिए बाहर गए हैं। ये फाइनल डे की शूट की फुटेज है। ओके। एडिटर से कहना कि इसमें द्रौपदी की डॉक्यूमेंट्री और इसे इमीडिएटली एडिट करके देना है। उसका टावर पास में ही शो हो रहा है, अब एक काम करते हैं उसके ऑफिस चलते हैं और हम दोनों से फॉलो करेंगे। हाय बाला। फाइनल डे का शूट कैसा गया रानी? वो सब छोड़ो, रजिस्ट्रार ऑफिस के बाइट्स का क्या हुआ, एनी क्लूज? मैंने सब देख लिया है, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट। हे वेट वेट, फ्रीज करना। हाँ बोलो रानी। कोकिला मैम एक फोटो भेज रही हूँ, उसे देखकर मुझे फौरन कॉल कीजिए। ओके माँ जी, ये रिसीट ले जाकर मेडिकल स्टोर में दे दीजिए और दवाइयाँ ले लीजिए। ठीक है डॉक्टर। ठीक है। एरिया यही है ना? उसका ऑफिस कहाँ होगा? वही है सर। फोटो देखी मैम, ये तो द्रौपदी का हस्बैंड प्रभाकर है ना? हाँ मैम, ये जेल से कब बाहर निकला पता नहीं। He's selling tea at the register office. मुझे लगता है इसने बदला लेने के लिए ही उन दोनों का कत्ल किया होगा। डोंट पैनिक,
तुम जाकर पहले इनसे मिलो और मेरे पास लेकर आओ, मैं उनसे बात करूंगी। ओके मैम, मैं उन लोगों से मिलती हूँ और आपको कॉल करती हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम। आ गया, तेरा इंतजार कर रहा था मैं। क्या प्रभा, मणि नहीं आया? नहीं सर। हाँ बैठ जा। हाँ प्रभा, परेशानी नहीं है ना? नहीं कोई बात, बैठो मैं पूजा करके आता हूँ। हाँ बस निकली रहा हूँ मैं, पूजा कर चुका हूँ, बस 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 थोड़ी देर में। हाँ ठीक है। प्रभा पैसे लेकर आया हो ना? है लो लो, टाइम हो गया, ट्रेन पकड़ने जाना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सर। हाँ क्या हुआ प्रभा, जरा देख लीजिए, कोई मिस्टेक है क्या? देखिए तो सही। अच्छा है, अरे उस लड़की का डेथ सर्टिफिकेट है। बिल्कुल। क्या ये आप सीबीआई से हो या विजिलेंस से? धोखा खाया हुआ हूं। कहां है वो? वो वहां पर है, रजिस्ट्रार ऑफिस। अच्छा। में ये रजिस्ट्रार ऑफिस में आई है, मुझे लगता है कि ये केस यहीं से सॉल्व होने वाला है। ओ ये बात है, पर सर अब देखते हैं क्या करने वाली है। अब तक कितनी झूठी शादियों में साइन किया हुआ है? 3200 शादियां करवाई हैं मैंने अब तक। जमीन के लिए खुदकुशी, उधार लेने वालों की खुदकुशी, आधे लोग तो बेचारे लड़की पैदा करने वाले ही होते हैं। तुम लोग जाली साइन करते हो, उससे कितने जानों की बलि चढ़ती है कुछ पता है? तेरा मरना बहुत ही जरूरी है। अभी तू एक काम कर, इसको पी ले, और इसे पीने के बाद भी अगर तू नहीं मरा तो तेरा पूरा कच्चा छिट्टा मैं मीडिया में जाके रिलीज कर दूंगा। मैंने उधर वहां देखा था जहां पे मैंने इंटरव्यू लिया था। यहां पता नहीं अभी वो दिख नहीं रहा है। वो जिसने टोपी पहनी है उसका भी इंटरव्यू लिया था ना? हाँ बिल्कुल लिया था। ठीक है, मैं बाइक के पास वेट करती हूँ, आप जाकर उससे बात करके उसे मेरे पास लेकर। ठीक है। मेरा नाम नील नारायण है, रायपुर में सब रजिस्ट्रार हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताओ तो? 6 महीने पहले लक्ष्मी नाम की लड़की और श्रवण नाम के लड़के की शादी बिना उनके मौजूदगी के रजिस्टर कर दिया था मैंने, उन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया। इसी तरह से कुल 3200 शादियां मैंने कराई अब तक। इसमें माँ बाप का भी परमिशन नहीं था और ना तो उनका ही परमिशन था। वकीलों और पॉलिटिशियंस ने मुझे इस बात के लिए धमकाया था, इस डर से ही मैंने सब कुछ किया। अब मेरा मन गवारा नहीं कर रहा, मैंने बहुत पाप किया है। अब मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इस प्रायश्चित के लिए मैं जहर पीकर मरना चाहता हूँ। इसे पीना ही पड़ेगा क्या? मरने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भाई ये हमारी रानी मैडम जी। नमस्ते, मुझे इनसे मिलना है, बता सकते हो ये कहाँ मिलेंगे? भाई तो कहीं बाहर गए हैं। आपके पास इनका फोन नंबर है क्या? फोन नंबर तो नहीं है मेरे पास। जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस पता है? इस एरिया में आए उन्हें कुछ दिन ही हुए हैं मैडम, उनके बारे में कुछ ज्यादा मुझे पता नहीं है। ठीक है, ये मेरा कार्ड है, उनसे कहना कि उनकी वाइफ द्रौपदी के बारे में मुझे बात करनी है, वो मुझे कॉल करे। आपका नाम? बस कहना द्रौपदी के बारे में, वो समझ जाएंगे। ठीक है मैडम। आपका मोबाइल नंबर? 9876566। ओके थैंक्स। ओके मैडम। क्या यहाँ से निकले हम रानी? हाँ रुक कर फायदा भी नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आदमी अभी यहाँ है नहीं ना। ठीक है चलो। जरा सुनिए, मुझे आपका फोन चेक करना है। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? मैं अपना फोन आपको क्यों दूं? एक्सक्यूज मी, वी आर फ्रॉम सीसीबी डिपार्टमेंट, हम मर्डर की इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर आपको कुछ पता है तो हमें बताइए। रानी आपका ट्वीट देखकर मैंने आपको फॉलो किया था, आई गेस यू कनेक्ट अ सिनेरियो। आप उसे जो कुछ भी पूछ रही थी आप मुझे बताइए, इसके बारे में क्या पूछ रही थी? ये मेरी फ्रेंड द्रौपदी का हस्बैंड है। ये जो दाढ़ी वाला है वो, ये जो चाय बेचता है? हाँ। सुनो इसके बारे में पूरी डिटेल्स निकालो। ओके सर। इसका और आपका अरुण? यस सर। कहाँ पर हो तुम? सर मैं इंक्वायरी में बिजी हूँ। अभी अभी रजिस्ट्रार ने फेसबुक लाइव पे सुसाइड किया। ओह शिट, वो कैसे? एक बार स्पॉट पे जाके चेक करो। ओके सर मैं अभी चेक करता हूँ। आपकी ट्वीट की वजह से किसी ने फेसबुक में लाइव जाके सुसाइड किया है। हाँ? इन्हें साथ में ले चलो, चलो। चलिए मैडम चलिए। अरे यार हाँ
रजिस्ट्रार कहाँ है? रजिस्ट्रार को हॉस्पिटल लेके गए हैं सर। फॉरेंसिक टीम आ रही है सर फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। ओके। के वाई सर, मैंने जो फोटोज भेजी थी उनकी डिटेल्स अभी आ गई हैं। एक्यूज का नाम है प्रभाकर, गांव वेलुपुरम। उसकी वाइफ की छोटी बहन की दूसरे कास्ट में शादी की गई, तो उसकी वाइफ और साली के कत्ल के इल्जाम में उसे अरेस्ट किया गया था और 15 दिन पहले ही उसको बेल मिली है। सो ही इज ऑलरेडी एन एक्यूज्ड। भाई इसमें 25,000 रुपए हैं, अपनी आंखों का इलाज करवा लेना। भाई देखो अपना बड़ा भाई समझ कर इसे रख लो। भाई जितना जल्दी हो सके मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है। रजिस्टर मैरिज घोटाले में शामिल एडवोकेट, पॉलिटिशियन, रजिस्ट्रार सबका ही कत्ल कर रहा है। ओह यस सर। ही इज वेरी डेंजरस, ही हैज टू बी किल्ड। तुम रजिस्ट्रार ऑफिस का राउंड अप करने के लिए तैयार हो जाओ, जैसे ही वो दिखे उसे अरेस्ट कर लेना। ओके सर। जिस काम के लिए आया था हो गया, अब मैं चलता हूँ। अच्छा भाई थोड़ी देर पहले एक मैडम और एक सर ना आपका फोटो देखकर पूछताछ कर रहे थे। मैंने बोला कि आप यहाँ पे नहीं है तो उन्होंने एक फोन नंबर भी दिया, ये है कार्ड। किसी द्रौपदी के बारे में बात करना ऐसा बोल रही थी। द्रौपदी? भाई उस नंबर पे जरा फोन लगाओ ना। कौन है? रजिस्ट्रार ऑफिस वाले का कॉल आ रहा है। वही होगा। हाँ सर। उसे कैसे भी करके बाजू वाले पेंसिल फैक्ट्री ग्राउंड में आने को बोलो। हेलो, मैं प्रभाकर बात कर रहा हूँ। द्रौपदी के बारे में कुछ बताना है। कौन बोल रही हैं आप? मैं द्रौपदी की फ्रेंड बोल रही हूँ। आप जल्दी से पेंसिल फैक्ट्री के ग्राउंड में आ जाइए, मैं वहीं मिलती हूँ। हाँ, अभी आता हूँ। भाई मैं जरा जाके आता हूँ। चलो हम लोग आते हैं। तुमने कहा था कि द्रौपदी के बारे में तुम्हें पता है, बोलो ना क्या पता है, जल्दी बताओ ना क्या पता है। और मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम क्या कहना चाहती थी और आखिर तुम मुझे ऐसे ढूंढ क्यों रही हो? बताओ तुम्हें क्या कहना है, बताओ ना प्लीज क्या कहना चाहती हो? नाइस, सुपर। तुम जैसे आदमी का मुझे एनकाउंटर ही करना है, आखिर मेरे जाल में तुम फंस ही गए है ना। बीवी का नाम लिया तो खुद ब खुद यहाँ दौड़ता हुआ तू आ गया। 5 लोगों का तूने खून किया है ना, अब इसकी सारी बुलेट तेरे सीने में उतार दूंगा। बताओ तुम्हें क्या कहना है, बताओ ना प्लीज क्या कहना चाहती हो? ए, क्या एक्टिंग कर रहा है तू? शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। अरे तेरी बीवी का कत्ल भी तूने खुद किया है और झूठ बोल रहा है। नीचे बिठाओ इसे, जल्दी करो। इन्हें कुछ मत कीजिए प्लीज। प्लीज इन्हें मत मारिए, प्लीज प्लीज। ए, तुम पीछे हटो यहाँ से। अगर तुमने इसके बारे में कुछ बोला ना तो तुम्हें भी शूट कर दूंगा मैं। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, इसने द्रौपदी का कत्ल नहीं किया। इनफैक्ट द्रौपदी अभी जिंदा है, वो मरी नहीं है। ए, अब ये क्या नई कहानी बना रही हो? अगर ये सच नहीं हुआ ना तो तुम्हें भी शूट कर दूंगा। लेके जाओ इसे। ए, चलो गाड़ी में बैठाओ इसे। चलिए मैडम, चलिए चलो। चल। प्रभाकर मैं अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूं। जैसा कि रानी ने कहा तुम्हारी वाइफ अभी जिंदा है। मर्डर वाले केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए तुम्हारा केस भी ओपन हो गया और वो केस तुम्हारे केस से जुड़ गया। अगर तुम मुझे सारी बात खुलकर बताओगे तो फिर मैं एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर सकता हूँ। सर मुझसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। मुझे अपीयर करने के लिए उस लड़की को डराकर मेरी बीवी जिंदा है ऐसा कहकर मुझसे झूठ बोल रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है सर। वो तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोल रही है ऐसा मैंने भी सोचा था, लेकिन ये झूठ नहीं है। सुनो, द्रौपदी अभी भी जिंदा है। सर मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूँ, ये पुलिस वालों पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। मेरी बीवी को मेरे सामने लाइए, फिर आप जो भी पूछेंगे मैं बताऊंगा। ओके,
तुमने आज तक वैसे ही पुलिस वालों को देखा है। सुनो। यस सर। जरा वो वीडियो लाओ। लीजिए सर। हो गया विश्वास? सर, मैं आखिर तक अपनी बीवी का चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा उलझन में हूं मैं। देखो, इस बारे में मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। अगर तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं सब कुछ बताता हूँ सर, लेकिन मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं अपनी द्रौपदी को अपने सामने देखना चाहता हूँ। श्योर, बताओ। इसे फौरन पकड़ना है, ये मिलेगा तो ही क्या हुआ था उसका पूरा खुलासा होगा। ये उसका एड्रेस है, लेकिन ये वहां नहीं है। उसका यूज किया हुआ कोई फोन नंबर है तुम्हारे पास? है ना, कैसे भूल सकता हूँ। तो मुझे बताओ, आज कैसे भी मैं उसे उठा ही लूंगा, लेकिन सारी सच्चाई तुम्हें मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है सर। इस पर नजर रखना। सुनो, चलो चलते हैं। ओके सर। मिस्टर गुरुदेव, अब आप इस केस के बारे में विस्तार से बताइए। कल एक सब रजिस्ट्रार ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक लाइव वीडियो डाला था। पिछले 6 महीने पहले मरी हुई लड़की की उसी ने शादी करवाई थी, वो भी दूल्हा दुल्हन के बिना। उन पेपर्स पे लगभग 3200 जगह जाली सिग्नेचर, जाली कागजात उसने रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाए, जिसको वो खुद ही साइन करता था मिलोर्ड। और जब इस बात का खुलासा हुआ तो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। इंडियन पीनल कोड सिटीजनशिप एक्ट 21 के आधार पर बिना लड़का लड़की के नकली शादी करवाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। अगर देखा जाए तो माँ बाप रिश्तेदारों के सपोर्ट के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता, और कानून भी इसकी कहीं इजाजत नहीं देता। अगर ऐसे ही नकली शादी करवाने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी तो हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है सर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को रोकें और उनकी काली कमाई को भी रोकें। इसलिए फौरन ये अदालत दूल्हा दुल्हन की कानूनी तौर पर सही से शादी हो इसके देखरेख के लिए एक टीम बनाए, और ये जो हादसा हुआ है उसे मैं हत्या का मामला दर्ज करवाना चाहता हूँ मिलॉर्ड। क्या आप हमें वो वीडियो दिखा सकते हैं? हाँ। इस वीडियो में जो हमने देखा और उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में जो कुछ भी इन्होंने कहा, उसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में जानकारी जुटाकर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। उसके लिए मैं डीजीपी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने का आदेश देता हूं। थैंक यू मिलॉर्डशिप। चल। यही है ना वो? जी हाँ। सर, इसके पास मुझे क्यों लेकर आए? कोर्ट में केस डाला है, मुझे मेरे वकील से बात करनी है। सर, वकीलों से बात करेगा? वकीलों से बात करेगा तू? सर सुनिए तो। सर बात करेगा? तुझसे मैं अब जो पूछूंगा चुपचाप मुझे उसका जवाब देना। आई बात समझ में? चल यहां बैठ। चल चुपचाप बैठ। कैमरा रेडी करो। वो रजिस्ट्रार अभी भी जिंदा है, पर उसके लिए भी मर्डर का केस फाइल किया गया है। देखो, ये बहुत जरूरी है कि तुम अपनी सारी सच्चाई इस कैमरे के सामने रिकॉर्ड करो। द्रौपदी मेरे मामा की बेटी है। हम दोनों की 2 साल पहले शादी हुई थी। हमारी जिंदगी बहुत खुशी खुशी बीत रही थी। द्रौपदी बहुत ही सच्ची इंसान थी। कहीं पर भी जुल्म हो तो वो उसके लिए खड़ी हो जाती थी। मत करो, जमीन का पानी बर्बाद मत करो। चोरी मत करो, पानी की चोरी मत करो। मत करो। द्रौपदी की एक छोटी बहन थी लक्ष्मी, MSW फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। द्रौपदी के पिताजी का नाम दामोदर मास्टर। गांव में इन्हें पूछे बिना कोई काम नहीं होता था। मैं गांव में लाठी कला सिखाता था और द्रौपदी समाज सेवा का काम करती थी।
नवीना की अभी अभी शादी हुई है, उसका पति कपड़े सिलता है और अपना घर बड़ी मेहनत से खुद चलाता है। शनिवार और रविवार को मुफ्त में पढ़ाई में शामिल होकर उसने एक एग्जाम क्लियर की है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। यही है एक लड़की की सफलता। अरे तो टेंशन मत ले। कुछ भी करने के लिए जुनून होना चाहिए। अगर आप हिम्मत से कोई काम करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं दीदी से बात करती हूँ। मैं इस काम के लिए नवीना की सराहना करती हूँ और उसे ये छोटा सा तोहफा देती हूँ। अब हम अगले हफ्ते मिलते हैं, अब आप जा सकते हो। प्रतिभा और लक्ष्मी तुम दोनों यहीं रुकना, अगले हफ्ते मिलते हैं। क्या हुआ प्रतिभा, क्या चल रहा है ये सब कुछ? तुम तो कभी ऐसा नहीं करती थी। लक्ष्मी क्या मामला है बताओ मुझे। वो दीदी, तिलक नाम का एक लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसने ना कर दिया इसलिए वो इसे टॉर्चर कर रहा है। तुम्हें टॉर्चर करता है क्या? तुम मुझे पहले बताया क्यों नहीं? दीदी मेरी फोटो FB से निकाल कर मुझे धमकी दे रहा है कि गलत तरीके से बनाकर अपलोड कर देगा और सबको दिखाएगा। मुझे डर लग रहा है दीदी, उसने ऐसा कुछ किया तो मैं मर जाऊंगी। पागल हो गई हो, किस जमाने में जी रही हो? आज के जमाने में ऐसा होता है क्या? कहाँ मिलेगा वो बताओ। कोई नहीं आएगा, चलो निकलो। छोड़ दो भाई। चल भाई, चल बे। यही है ना वो लुच्चा? हाँ दीदी। फोन कहाँ है बे? पासवर्ड बता। 5439। भाई दूसरा कुछ है क्या? देखो। ठीक है मैं देखता हूँ। घूर रहा इसे। हाँ अरे द्रौपदी, अरे रुको, जल्दबाजी मत करो। द्रौपदी मत करो। नहीं नहीं दीदी। अच्छा वो कि वो बच गया। भैया जरा इसका वीडियो बनाओ। भाई वीडियो मत बनाओ प्लीज, मत बनाओ वीडियो, मत बनाओ। नहीं मत करो, ऐसा मत करो, मत बनाओ। बदनामी सिर्फ लड़कियों की ही होती है ऐसा लगता है क्या? है तेरा वीडियो बनाएंगे ना और तेरे घर वालों को दिखाएंगे, तब तुझे पता चलेगा कि बदनामी किसे कहते हैं। इस वीडियो को बनाने के बाद ना फेसबुक पे डाल दूंगी। माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा मत करना, फेसबुक पे मत डालना। अगली बार अगर किसी लड़की को परेशान भी किया ना तो अभी तो सिर्फ चड्डी उतारी है, बाद में तेरी इज्जत उतार के पूरे गाँव में घुमाऊंगी। ए लाठी सीधा कर, अच्छे से नीचे करो। हाँ जोर से, जोर से। पापा नमस्ते। पापा क्यों बेटा जी, इस बार 3 लोग स्टेट लेवल में चले जाएंगे क्या? इस बार 4-5 लोग तो गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। द्रौपदी कहाँ है पापा? बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं, कहाँ चली गई पता नहीं। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, मैदान में जो काम चल रहा है वहाँ कुछ गलत हो रहा है, वो उसी का वीडियो बनाने गई है। क्या हुआ द्रौपदी, आज इस तरफ कैसे? बच्चों को क्लास नहीं ले जाना? वो तो शाम को है, यहाँ तो मैं ऐसे ही आ गई। जाइए जाइए आप काम करिए। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। ये क्या अभी 2 घंटे भी काम नहीं हुआ है और बारिश भी आने वाली है, ऐसे बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? इनसे कुछ कहो तो कहती हैं कि पैसा तुम्हारी जेब से नहीं गवर्नमेंट के जेब से जा रहा है। क्या बात है, आप यहाँ कैसे? अरे मेरी बात छोड़ो, तुम उन लोगों के साथ क्या कर रही थी बताओ? वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यही सारी बातें करते हैं, इसकी उसकी बुराई करने आते हैं यहाँ पर ये लोग, वही तो रिकॉर्ड करने आई थी। तो तुम वीडियो बना रही हो, वो उनको पता चल गया तो? उनको पता चलेगा तभी ना। ये पेन कैमरा है, इसे खोलकर देखिए। अरे बाप रे, देखा आपने, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन ये तो गवर्नमेंट का काम है, इसे फेसबुक पर डालने से क्या फायदा होगा? ऐसी बात नहीं है, इस फोन से लिया हुआ वीडियो और इस पेन से जो मैंने वीडियो उतारा है वो दोनों प्रधानमंत्री के ऑफिस भेज देने चाहिए, तभी पता चलेगा इन्हें।
उनकी और तुम्हारी जान पहचान कैसे? आज इंटरनेट की वजह से प्रधानमंत्री से लेकर काउंसलर तक मिलना बड़ा ही आसान काम हो गया है। सही काम हाथ में लिया बेटी तूने। यहाँ का काम और खेती के लिए कोई और आता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब बेकार हो जाता ना, लेकिन तू सब संभाल रही है। लक्ष्मी, अपने घर में मिनरल वाटर आया है? वो दीदी कॉलेज में मिनरल वाटर पीकर अब उसी की आदत हो गई है, इसलिए मंगा लिया। एक कैन कितने का है बताओ तो? 30 रुपए का है। 30 रुपए का ठंडा पानी 1 रुपए में बिकता है, ये तो कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा महंगा हो गया। अच्छा, आप इस पर भी वीडियो बना लेना, फिलहाल मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम भी उड़ाओ मेरा मजाक। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते, कैसी हो तुम दोनों? नमस्ते, ठीक हूँ आंटी। आपको देखते ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है डॉक्टर। तुम तो हमेशा पॉजिटिव रहती हो द्रौपदी। जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं तुम्हारे अवेयरनेस वीडियोस देखती हूँ। यू आर अ गिफ्टेड गर्ल। थैंक्स। अब चलें। अच्छा आंटी, मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। बाय दीदी। लक्ष्मी, फाइनल ईयर है ना, बी केयरफुल। यस श्योर आंटी। अरे जाइए मत डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर। डॉक्टर जी, और एक पेशेंट को दिखाने का है। कौन है वो? तू इधर आ। द्रौपदी को ही दिखाना है। द्रौपदी को क्या हुआ है? कुछ नहीं डॉक्टर, शादी होकर 2 साल हो गए हैं लेकिन बच्चा ठहर नहीं रहा है, बस यही एक प्रॉब्लम है डॉक्टर। क्या कर रहे हैं? तुम चुप रहो ना। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि तुम लोग प्लान कर रहे हो। मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ, ये खाती रहेगी तो 1-2 महीने में गुड न्यूज मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, गोली नहीं चाहिए डॉक्टर, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अरे तुम जरा चुप रहो ना, ऐसे वेट करते करते 2 साल बीत गए। जो गुड न्यूज सुनना चाहता हो उससे ज्यादा वेट नहीं करवाते। पहले की औरतें सैनिटरी पैड्स यूज नहीं किया करती थी, लेकिन अब यूज करने लगी है ना, उसी तरह बच्चे के लिए भी दवाइयाँ खाती है। फिक्र मत करो, सिर्फ आयरन और विटामिन की टेबलेट दूंगी, बस वही लेना। ठीक है डॉक्टर, ठीक है। कीकी चैलेंज, आइस बकेट चैलेंज, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आपने देखे होंगे, उसी तरह ये भी इन बच्चों के साथ पौधा लगाने का चैलेंज है। घर में जो लोग बड़े हैं, घर में बच्चे, उन सब के साथ मिलकर एक पौधा लगाकर उसका वीडियो निकालेंगे। हमारे यहाँ के बच्चे कुत्तों के बच्चों को पालते हैं, पानी की टंकी में मछली पालते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक पौधा लगाते हैं, वो बड़ा होता है और जब बड़ा होकर वो फैल जाता है तब छांव देने लगता है, उससे सम्मान मिलता है। इसीलिए कहती हूँ आप लोग गांव में पौधे लगाइए। आई की नहीं बात समझ में? पौधे लगाएंगे ना। ठीक है। बहुत बढ़िया। कबड्डी 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 बस बस कबड्डी कबड्डी। एक मिनट। हाँ डॉक्टर बोलिए, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ द्रौपदी। वो जो तुमने छोटे बच्चों से पौधे लगवाए हैं ना, बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, एक्चुअली आपकी वजह से ही ये सब हुआ। थैंक्स। अच्छा, चेन्नई से रानी नाम की एक यूट्यूबर तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। वेरी ब्रिलियंट गर्ल, तुम्हारी ही तरह सोशल एक्टिविस्ट भी है। प्रभाकर से कहना उसे जाकर पिकअप कर ले। रानी वर्मा और द्रौपदी पहली बार मिले। द्रौपदी, ये रानी वर्मा जी हैं। रानी ने द्रौपदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। द्रौपदी, रानी और डॉक्टर, ये तीनों लोग मिलकर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे और जिस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था वो दिन आ गया। क्यों पट्टू, डर लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं जी, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। क्या वो पट्टू, तुम्हारी तारीख वारीख आगे निकल गई क्या? हाँ जी, 10-15 दिन हो चुके हैं। हाँ हाँ, आओ ना। नमस्ते डॉक्टर। बैठो। गांव में कोई फंक्शन है क्या? आज दोनों एक साथ आए हो? अभी खुशी की बात है कि नहीं ये तो आप ही बताओगी डॉक्टर। ये कह रही है कि अचानक से इसको चक्कर से आ रहे हैं, जरा आप देखकर बताइए ना कि आखिर बात क्या है। प्रभाकर तुम जरा बाहर जाओ, मैं चेक करके तुम्हें बुलाती हूं। ओके डॉक्टर।
सर चेकअप हो गया है, डॉक्टर आपको अंदर बुला रही हैं। फिक्र मत करो, ये तो नॉर्मल है। ओह। दो दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर, मैं संभाल लेता हूँ। मैंने जो दवाई दी थी वो खा रही है ना ये? हाँ खा रही है डॉक्टर, मैं खुद ही इसे देता हूँ ना। ओह अच्छा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। 8 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। अब द्रौपदी को जो भी पसंद है वो सब इसे लाकर देना। ओके डॉक्टर। इसे हमेशा खुश रखना। हाँ मैं देख लूंगा ना डॉक्टर। हाइड्रोकार्बन की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए और एक वीडियो बनाकर तुरंत ही पोस्ट करो। ओके मैडम। कैसे हो काका? नमस्ते। नमस्ते। बाजू के खेत वाला आर्मगम खेतों को भाड़े पर देकर बोरिंग का पानी वो लॉरी और टेम्पो भरकर भेजता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग खेती कैसे करेंगे और खेतों का पानी भी सूख जाएगा। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुमने गांव का नियम जानते हुए भी बाहर वालों को खेत भाड़े में दिया? ये क्या है भाई, गांव का नियम जानते हुए भी बाहर वालों को खेत जोतने दे दिया? ऐसा कुछ नहीं है भाई, गांव के हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं चलता है, लेकिन हम क्या खाएंगे तो हमने दे दिया। अपने गांव में पानी का स्रोत देखकर ही आर्मगन पे आरोप लगाया है। यहाँ क्या चल रहा है? मेरी गाड़ियों को पकड़कर, मेरे लोगों को पकड़कर मुझे यहाँ बुलाया गया है। क्यों, क्या मामला है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? बताया है, लेकिन तू हमारे लोगों को पकड़कर ये सब हंगामा कर रही है। ये तू तड़ाक से बात करनी है तो अपने शहर चले जाओ, यहाँ तमीज से बात करो नहीं तो दांत तोड़ के रख दूंगा। छोड़िए जी, आप क्यों इन लोगों के मुंह लग रहे हैं? मैं आर्मुगल से बात करती हूँ ना, ये सारा मामला संभाल लेंगे। आर्मुगम से बात करोगी, उसके बेटे से बात करोगी? अरे पूरे 3 लाख रुपए लगाया है मैंने। आपका हिसाब किताब मुझे पता नहीं है क्या? पानी का एक कैन 30 रुपए में बेचते हैं और एक टैंक के पीछे पूरे 3,000 रुपए कमाते हैं। अब तक गांव में 500 टैंक पानी आ चुका है, तो हिसाब लगाइए कि कितना कमाया है आपने, कितना लूटा है। अगर सारी बातें बाहर आएंगी ना तो भागना पड़ेगा आपको। चले जाइए यहाँ से। क्या कहा, चले जाएं? मैं एडवोकेट हूँ, खेत भाड़े से लिया है और उसके पेपर है मेरे पास। हम यहाँ 6 महीने तक कुछ भी कर सकते हैं, बीच में दखल अंदाजी का किसी को अधिकार नहीं, समझ गए? तूने चाहे कितनी भी कानून की पढ़ाई पढ़ी हो या फिर किसी भी नेता की तरफ से हो, इस पंचायत में तेरी नहीं चलने वाली है। ये पिज्जा बर्गर खाने वाली बड़ी बातें करने वाला शहर नहीं है, इस गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं। पता नहीं इसकी किस्मत खराब थी कि इस आर्मगन को तुम्हें वो भाड़े पर देना पड़ा। 3 फुट से ज्यादा यहाँ कहीं खुदाई नहीं होनी चाहिए, ये इस गांव का नियम है, और तुमने 30 फुट खोद कर लोगों का पानी चोरी करने की कोशिश की। किसकी परमिशन से किया ये सब? ये देखो इस पेपर को तुम कहीं भी जाके दिखा दो, इस गांव में किसे आना और किसे पैर रखना है वो हम लोग फैसला करते हैं। आने वाले भविष्य के लिए यहाँ के जानवर और मवेशी को कैसे संभालना है इस बात का ख्याल रखते और कुदरत की इज्जत करते हैं, और तुम लोगों ने उसे छीनने की कोशिश की है। और जब तक हम लोग जिंदा हैं इस गांव में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, और दोबारा कहीं नजर आए तो फिर मैं देख लूंगा। और वो पानी का लफड़ा खत्म होने के बाद का सारा किस्सा इस कमीने को पता है। कैसे अंदर आया, कैसे रजिस्टर मैरिज किया, कैसे मेरे खानदान को बर्बाद कर दिया। इस आदमी को अगर मैंने खुला छोड़ दिया ना तो तेरे टुकड़े करके तुझे एडवोकेट के पास पहुंचा देगा, समझ गया? जो पूछ रहा हूं चुपचाप जवाब दे। लक्ष्मी को तू कैसे जानता है उसके बारे में सारी डिटेल्स बता। अनु रिकॉर्ड कर इसे। मुझे आगे करके ऐसे कत्ल करेगा ये मैं नहीं जानता था। करुणेश भाई जब भी मुझे फोन करके मीटिंग के लिए बुलाते थे तो हम उनके पास जाते मीटिंग करने के लिए। नमस्ते भाई। क्यों बे आर्मुगम, 3 लाख रुपए लेकर पंचायत के सामने अनजान बने की एक्टिंग कर रहा है? माफ कर दीजिए मुझे, पंचायत के विरोध में बोलकर मैं क्या कर सकता था? द्रौपदी और मास्टर के विरुद्ध जाकर मैं गाँव में नहीं रह सकता हूँ। सुना क्या करुणेश, वो मास्टर के परिवार ने सबके सामने हमें कैसे जलील किया था, उन लोगों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सही कहा, उस मास्टर को खत्म करवा दूं? ये इतना आसान नहीं है बे, अगर उसे ऐसे ही मार दिया तो वो द्रौपदी हम लोगों को परेशान करेगी, और इतना ही नहीं उसके साथ साथ पूरे गांव वाले भी हमें परेशान करेंगे। अच्छा आर्मुगम, उस दिन पंचायत में एक लड़की खड़ी थी, वो मास्टर की बेटी ही है ना? हाँ भाई, उसका नाम है लक्ष्मी, बैंगलोर के बाजू में कॉलेज में पढ़ती है। सही है। क्यों बे करुणेश, तुझे ये मैटर हलवा खाने जैसा लग रहा है? करुणेश
उस गांव की मिट्टी में पैर रखना है तो उस लड़की को अपने हाथ में रखना होगा और इस तरह उस मास्टर के घमंड को चूर चूर करके मिट्टी में मिलाना होगा। सब हो जाएगा भाई, आप चिंता मत करो, मेरे पास ऐसे काम के लिए 100 लोग हैं। उनमें से कोई एक उस लड़की को लेकर भाग जाएगा भाई। भाई ये अपना लड़का है। नमस्ते भाई। ए, ये लड़का एकदम सॉलिड लग रहा है। एक काम करो, इस लड़के को एक बाइक और एक आईफोन दे दो और अपने जैसी एक चेन दे दो और एक इसका आई कार्ड बनवा दो। हाँ भाई। और उस लड़की के साथ किसी तरह से इस लड़के की पहचान करवा दो। ठीक है ठीक है। क्यों बेटा, काम तो सही से कर दोगे ना? हाँ, अच्छे से हो जाएगा भाई। अगर ये काम सही ढंग से कर दिया ना तो भाई को मिलने वाले कमीशन में से 10 लाख रुपए तुम्हें दे दिया जाएगा। कर देंगे भाई। राइट। श्रवण, वो जो सामने लड़की खड़ी है ना, वही है मास्टर की बेटी। तू कुछ ऐसा कर कि वो तेरे प्यार में पागल हो जाए। ये ले मोबाइल, उसके साथ हमारी 2 लड़कियां पढ़ती हैं, वो तुझे उससे मिलवा देंगी। ये ले चेन है, पहन ले, लग जा काम पे, जा और खेल दिखा। ये क्या है, कितना लेट आ रही हो तुम? क्या ऐसे बात कर रही है, सही टाइम पे तो आई हूँ। ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम श्रवण है, चेन्नई से आया है। लैला कॉलेज में MSW में फाइनल ईयर में पढ़ रहा है, किसी प्रोजेक्ट पर हेल्प मांग रहा था। क्या तुम इसकी हेल्प कर दोगी? तुम भी तो मेरे ही बैच से हो, मुझे जो हेल्प करने बोल रही हो वो खुद भी कर सकती हो। ऐसा नहीं है जी, इस गांव में आपके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं। ये नक्सल लोगों के बारे में प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है, अगर 1 महीने में सबमिट नहीं किया तो मुझे मेरी डिग्री नहीं मिल पाएगी। अगर आप मेरी हेल्प कर देंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा मैम। ठीक है, मैं कल पूछ कर बताती हूँ। जी थैंक्स। क्यों, अपने पापा से पूछा क्या? हाँ, पूछा ना, तुम्हारा नाम बता दिया है, जाकर बात कर लो। अरे अरे, मैं अकेले कैसे जाऊंगा, उनसे क्या पूछूंगा मैं? आप भी साथ में चलेंगे तो अच्छा रहेगा ना। एक इसकी हेल्प कर देना, बाकी बाद में देख लेंगे। चलिए ना, बाइक पे चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही चलते हैं, आ जाओ। आइए ना, बाइक है ना? नहीं कोई बात नहीं। अरे जा जा जा, बाय बाय बाय। नमस्ते भाई। हाँ करुणेश बैठो। ए वरदा, तू थोड़ी देर बाहर बैठ, चलो तुम बैठो। नमस्ते भाई। तो कैसा चल रहा है सब, मास्टर की बेटी से सेटिंग हो गई? मास्टर की बेटी बहुत स्ट्रांग है, अभी तक अपने जाल में नहीं फंसी। क्यों बे? जी भाई। उस लड़की को इधर उधर घुमाकर उसका पेट भर देना था ना भाई, छूने भी नहीं देती वो, उसकी बड़ी बहन ने कंप्लीट ट्रेनिंग दी हुई है उसे। क्यों करुणेश, अब क्या करें, उस कंपनी को दिया हुआ टाइम भी खत्म हो रहा है। चुपचाप डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रजिस्टर मैरिज करवा देंगे। हाँ हाँ, और रजिस्ट्रार ऑफिस में अपना आदमी है भाई। हाँ ये बढ़िया है, वैसे ही कर दे। और सुन लड़के, तू एक काम कर, उस लड़की को किसी भी तरह से बहला फुसला के अपने थिएटर में 3 घंटे के लिए बिठा दे, उसके बाद जो भी होना है वो अपना आप होता रहेगा। जा। ए लक्ष्मी, आज हम लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तू भी चला हमारे साथ फिल्म देखने। नहीं नहीं, मुझे प्रोजेक्ट का काम है, कॉलेज भी जाना है। अगर तू नहीं आई ना तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। चल ना, हमारी दोस्ती के लिए तू इतना भी नहीं कर सकती है क्या? प्लीज चल ना लक्ष्मी। अच्छा ठीक है, चलते हैं। हाय। हाय। हाँ, सारे फोन स्विच ऑफ कर दो, घर से कॉल करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, ये तो मुसीबत है। ओके चले। अच्छा सुन, तुझे सिटी बजाना आता है ना? मुझे नहीं आता। अरे क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? भैया आपको पता है लक्ष्मी कहाँ है? वो तो सुबह ही कॉलेज चली गई, क्यों बात क्या है? आप एक बार तो बोल, बोलो ना। हमारी लड़की दूसरे गांव के लड़के के साथ रजिस्टर मैरिज करके, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन वो भाग गई भैया। क्या? ऐसा गांव वाले कह रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बताने आया भैया। मेरी बेटी सोना है सोना, उसे मैंने अपने संस्कारों से पाला है, उसकी फिक्र आप मत करो। अरे दिखाना। हाँ ला भैया। ये देखिए देखिए, कौन है ये लड़का? भैया यही वो कमीना है, इसी के साथ वो भागी है। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, आप एक बार उसे फोन कीजिए। अरे फोन का नहीं भैया। फोन नहीं लग रहा है भैया। हाँ एक बार और ट्राई कीजिए भैया। हाँ, हाँ, हाँ।
क्या हुआ आपने फोन करके जल्दी आने के लिए कहा? क्या हुआ इतने घबराए हुए क्यों हैं? बेटा वो क्या बात है? हाँ वो बात ये है कि बोलिए ना पापा। अरे क्या बात है बताएंगे नहीं तो पता किससे चलेगा? क्या बताओ खुद ही देख लो। अपनी लक्ष्मी दूसरे गांव के लड़के के साथ रजिस्टर्ड मैरिज करके गांव छोड़कर भाग गई बेटी। हम लोग फोन कर रहे लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे छोटी सी बात है, लक्ष्मी जब भी कॉलेज जाती है तो पढ़ाई के वक्त मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देती है। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसी फोटो निकाली होगी। मैंने उन दोनों को बाइक पर जाते हुए बहुत बार देखा हुआ है, इतना डरिए मत। रुकिए मैं कॉलेज में फोन लगा के पूछता हूँ। मेरी बात सुनिए, जब भी वो प्रतिभा वाला मामला सामने आया था ना तो लक्ष्मी ने ही कहा था मुझे मदद करने के लिए। आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, वो ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही समझदार बच्ची है वो। द्रौपदी लक्ष्मी कॉलेज में नहीं है। हो सकता है वो उसके फ्रेंड्स के साथ होगी। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रुको मैं फ्रेंड से पूछता हूँ। पापा आप डरिए मत, पहले बैठ जाइए। आप बैठिए भैया, बैठिए। कॉल तो जा रहा है लेकिन अटेंड नहीं कर रही है। भाई ये सच है, रजिस्टर मैरिज किया है, ये डॉक्यूमेंट भेजा है, उसने हम लोगों को फंसा कर ये शादी कर ली है, ये देखो। अब बोलो बाप ने इतना नाम कमाया और लड़की ने ऐसा काम किया, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। देखिए ना क्या समय आ गया है। लड़कियों को कितना भी संभाल कर रखो कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं कि इज्जत जो है मिट्टी में मिल जाती है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, बैठिए ना। क्या हुआ इस तरह कहाँ जा रहे थे? मैं जरा बाथरूम जाके आता हूँ ना। ठीक है तो इन्हें साथ लेकर जाइए, आप जाइए। हाँ, मैं देख लेता हूँ। पापा हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मैंने तुम लोग को जो बताया था सारी बात समझ गया ना? अरे वो लक्ष्मी आई है। क्या कहा, लक्ष्मी आ गई? फोन स्विच ऑफ करके कहाँ चली गई थी तू? मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी। इसको पापा के पास ले जाओ, वेट कर रहे हैं वो। ठीक है चल अंदर। क्या हुआ दीदी? देखो इन्हें क्या हो गया। पापा पापा क्या हुआ पापा? सॉरी पापा, कॉलेज की फ्रेंड्स के साथ फिल्म देखने गई थी। कुछ तो बोलो ना पापा। पापा क्या हुआ पापा? पापा पापा क्या हुआ भैया? पापा भैया पापा क्या हो गया? पापा कुछ तो बोलो। पापा क्या हो गया? पापा बोलिए ना। पापा पापा सॉरी पापा कुछ तो बोलिए। क्या हुआ प्लीज भैया? बात करो ना पापा। क्या हुआ क्या हुआ भैया? पापा बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलो पापा। पापा सॉरी पापा। भैया कुछ तो बोलिए भैया।
ये क्या कर दिया पापा आपने? तुम लोगों ने एक बेगुनाह की जान ले ली, वो तो एक फेक मैरिज थी। ये बात जानते हुए भी उन्होंने केस कैसे कर दिया? मैंने और द्रौपदी ने इसके बाइक पर लक्ष्मी को जाते हुए देखा था। ओ, ऐसी हालत में लक्ष्मी सही बोल रही है या गलत, ये भी मैं जान नहीं पाया। और ऐसे समय पर किसी के पास जाकर पूछ भी नहीं सकते थे। तभी ही लोकल पुलिस स्टेशन से स्टेशन इंचार्ज घर पे मिलने आए। जाके प्रभाकर को लेकर आओ। हाँ बोलिए सर। दो दिन पहले दामोदर की बेटी ने दूसरे जाति की लड़की से शादी कर ली है, यह सुन के उन्होंने खुदकुशी कर ली है। आपने उस खुदकुशी को छुपाकर इस लड़की को बाजू वाले गांव के लड़के के साथ शादी करके उसको यहां से निकलवाना चाहते हो, ये कंप्लेंट है तुम पर। किसने कंप्लेंट की है सर? जिसके साथ उसने शादी किया था ना श्रवण, उसने एडवोकेट के पास कंप्लेंट किया है। एक बात बताता हूँ प्रभाकर, अगर इस लड़की ने किसी और लड़के के साथ शादी की ना तो मुझे उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा, बाकी तुम समझ लो। सर ये फॉर्जरी मैरिज है सर, इसके नाम के नकली डॉक्यूमेंट्स बनवा कर किसी ने रजिस्टर मैरिज करवाया है, और आप बिना सोचे समझे इस तरह से हमें क्यों धमका रहे हैं? हम भी तो कम्प्लेन कर सकते हैं ना, चलिए मुझे भी एक्शन लेना है। ऐसा है क्या? ठीक है, कम्प्लेन जिसने की है उसको लेकर आता हूँ। फिर आप एक काम कीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा और फिर कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, नहीं तो आप बोले ना कि कम्प्लेन देती हूँ तो कर दीजिए आप कम्प्लेन। ठीक है, एक्शन लेता हूँ मैं। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैडम ये इंस्पेक्टर कोई अच्छा आदमी नहीं है, सबके सब मिले हुए हैं। अगर आपको बचना है तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए, आप सोच लीजिए, मैं चलता हूँ। उसका और इसका क्या संबंध है, ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आना ही पड़ा, तुम्हारी लड़की से जिस लड़के ने शादी की है वो तुम्हारे डर से छुपकर मेरे घर में बैठा है, मैं जो बोलूंगा वो वही सुनेगा। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है वरना यहीं पर टुकड़े करके रख दूंगा तेरे, समझा? क्या कहा? अगर तूने कुछ किया तो उसमें हमारा ही फायदा होगा, चल हाथ लगा। देखिए आप शांत हो जाइए, ये सब क्या हो रहा है मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, साफ साफ बताइए क्या चाहते हैं। अरे वाह, आपको समझ में आ गया, बहुत खुशी हुई। एक गोरा आदमी हमारे गांव में एक कंपनी शुरू कर रहा है, उसके लिए तुम्हें सामने खड़े होकर सब कुछ करके देना है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। अगर तुम तैयार हो गई तो हम सर से भी कह देंगे और हम तुम्हारी लड़की को भी छोड़ देंगे। आप मेरी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते, इन लोगों ने पैसे कमाने के लिए मुझे मोहरा बनाकर पापा को मार दिया। दीदी मैंने श्रवण से कोई शादी नहीं की है, मुझे फंसाया गया है, इन्हें मत छोड़ना दीदी। सुन लिया ना, अब चलते बनो यहाँ से। और सुनो, हमारे लिए लड़की और जमीन एक है, अगर उन्हें किसी ने हाथ भी लगाया ना तो हाथ काट देंगे, क्या समझ रखा है हमें? हाँ, लड़की और जमीन की आड़ के पीछे हमसे पैसा लूटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ये मत समझना कि ये अकेली और हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, कोर्ट में जाकर सबको सजा दिलवाऊंगी, लोगों के सामने सारी सच्चाई लाकर रहूंगी, तुम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, अब खड़े क्या हो, जाओ हमारे घर से। सुनिए इनसे कहिए कि अभी यहाँ से निकल जाए। चल चलो निकलो यहाँ से, तुम लोग जाओ अंदर। तो चल अंदर बात कर। उसे बस स्टैंड पे बुला। हेलो कौन है? भाई मैं श्रवण बोल रहा हूँ। कौन श्रवण? भाई जिससे लक्ष्मी की शादी हुई थी वही श्रवण। क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? भाई भाई मुझे बचा लीजिए, मेरा गला घोट कर मुझे मारने का प्लान कर रहे हैं और इल्जाम आपके ऊपर लगाना चाहते हैं, मुझे बचा लीजिए भाई, मैं पुलिस के सामने सब कुछ बता दूंगा, बचा लीजिए भाई। ठीक है ये बता अभी तू कहाँ है? बस स्टैंड पर हूँ भाई, जल्दी आ जाइए। ठीक है तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। आ जाइए भाई आ जाइए। वो लड़का श्रवण, उसका भी कत्ल करने का प्लान किया है उन लोगों ने, डर से वो बेचारा कांप रहा है वहां पर। मैं बस स्टैंड तक जाके आता हूँ, तुम लक्ष्मी को संभालो। नहीं जी आप मत जाइए, मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है, आपका जाना जरूरी नहीं है। अरे मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मैं देख लूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ एक ग्लास दूध पीकर सो जाना पट्टू, दरवाजा बंद कर लो। ठीक है जल्दी आ जाइएगा। फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बस स्टैंड पर आने के लिए कहा था, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। नहीं जी आप मत जाइए, मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है।
बट लक्ष्मी लक्ष्मी और द्रौपदी को मैंने आखिरी बार वहीं पर देखा। दोनों को उनसे लतपत पड़े थे। इन लोगों ने कत्ल करके मैंने उनका मर्डर किया है, ऐसा मुझ पर केस डालकर मुझे जेल में भिजवा दिया। उसके बाद क्या हुआ? लक्ष्मी के शरीर को गांव वालों ने वहीं पर दफना दिया और द्रौपदी जैसा चाहती थी हॉस्पिटल में जांच के लिए उसकी बॉडी को दान दे दिया, ऐसा मैंने सुना था। तुम लोगों ने खून किया यही सच है? द्रौपदी और लक्ष्मी का मर्डर किसने किया था ये बात साफ साफ कैमरे में बोलो। मैं सिर्फ बलि का बकरा हूँ, मुझे तो बस कॉल करके इन्हें कैसे भी बस स्टैंड तक बुलाना था। मैंने कॉल किया और इन्हें बुला लिया सर। आ जाइए सर, प्लीज सर। अच्छा सुन, हम दोनों उसके घर में जा रहे हैं। वो तुझसे मिले बस स्टैंड जाएगा, तू उसे वहां नहीं मिलेगा तो वो घर आएगा। तू फौरन हमें फोन करके बता देना, ठीक है? ठीक है। तू उसे दिखाई नहीं देना चाहिए, फोन को तुरंत बंद कर दे और सिम को निकाल कर फेंक दे। कौन भाई? तुम अंदर जाओ। कौन है इस वक्त? कौन है? कोई भी नहीं दिख रहा है। कौन हो सकता है इस वक्त? चलो भाई, चलो चलो निकलते हैं। पैसों के लालच में मैंने ऐसा किया। अगर नहीं करता तो मेरा कत्ल करके मुझे फेंकने वाले थे वो लोग और इल्जाम इनके ऊपर लगाने वाले थे। मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे तुम माफ करना, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। आपने जो कुछ भी किया वो ठीक किया। सुनो। यस सर, बोलिए सर। तुमने अभी जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है उसे हार्ड डिस्क में कॉपी करके मुझे दे देना और इनके साथ जाकर इसे वेलुपुरम कोर्ट में हैंड ओवर कर देना। ओके सर। प्रभाकर, तुम तुम्हारी वाइफ को देखने जाओगे, अपने दोस्त को बोलकर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मंगवा लो। मिनिस्टर के पास से बहुत प्रेशर आ रहा है, इसीलिए मैं खुद आया हूँ। वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहाँ है? सर, एक घंटे में रिपोर्ट आ जाएगा सर। एक ही घंटे में उसे मैं रेडी करके कोर्ट भिजवा दूंगा सर। देखो इंस्पेक्टर, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने के बाद मेरे कैबिन में भेज देना, मैं रिपोर्ट तैयार करके भेजता हूँ, क्योंकि वो सर्टिफिकेट कोर्ट में काम नहीं आएगा। उस सर्टिफिकेट को कोर्ट में जमा किया तो नया केस बनने का चांस है सर। अरे जात पात के दंगे हो जाएंगे, जो बोलता हूँ सुनो। सर्टिफिकेट आते ही उसे लेकर मेरे ऑफिस में आ जाओ। ठीक है सर।
पट्टू पट्टू अब ये पहले से काफी बेहतर है। कल परसों तक ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाल देंगे। द्रौपदी के बारे में किसी ने मुझसे कुछ कहा भी नहीं डॉक्टर। आपने कहा कि ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये अभी भी जिंदा कैसे हैं? मैंने ही ब्रेन डेड की रिपोर्ट सबमिट की थी। प्रभाकर मुझे जानता है। आई एम द डीन ऑफ वेलुपुरम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उस दिन दरअसल ऐसा हुआ था डॉक्टर, वो लोग सबको ब्लैकमेल करते हैं, किसी भी लड़की को फंसा कर अपने काम को अंजाम दे देते हैं। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही उसे मारना चाहते हैं। मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल मत छोड़ना द्रौपदी। इनफैक्ट इस मामले में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल ही चेन्नई हाई कोर्ट में केस फाइल कर देती हूँ। रानी तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें गाइड कर देगी। मैं उसे अभी इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। द्रौपदी की मुझसे फोन पर बात होने के बाद मुझे हॉस्पिटल से एक कॉल आया था। उन्होंने कहा कि एक पेशेंट है, द्रौपदी यहाँ कोमा की स्टेज में हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। जब मैंने FIR पढ़ी तो उसमें लिखा था कि इसकी इस हालत का कारण प्रभाकर है, पर मैं प्रभाकर को अच्छे से जानती हूँ। मैं समझ गई थी कि द्रौपदी का कत्ल करने की कोशिश किसी और ने की थी, और वो भी कोई एक नहीं था, दो लोग थे। इसलिए मैंने एक गवर्नमेंट हायर ऑफिशियल से बात की और उन्हें सब कुछ समझाया। फिर मैंने अपने रिस्क पर द्रौपदी की ब्रेन डेड वाली रिपोर्ट सबमिट की और इसे चेन्नई ट्रांसफर करवा दिया ताकि यहाँ मैं इसकी अच्छे से देखभाल कर सकूं। मैंने और डॉक्टर ने आपसे दो बार मिलने की कोशिश भी की, पर आपने शायद वहाँ के पुलिस वालों से कहा था कि आप किसी से मिलना नहीं चाहते। एडवोकेट ने हमें बताया कि अगर तुम बेल पर बाहर आ जाओगे तो तुमसे मिला जा सकता है। तो ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर। डोंट वरी प्रभाकर, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार इतना होने के बाद भी दीदी जिंदा है तो तेरे अच्छे कर्मों का फल है यार। मेरी बीवी अब तक जिंदा है मतलब इसका सपना जरूर पूरा होगा। ये वो सर्टिफिकेट है जो आपने मांगे थे। इसकी कसम जीतनी चाहिए, इसके केस की जीत हो। मेरे से जो भी होगा वो मैं करूंगा। तुम हॉस्पिटल छोड़ के कहीं मत जाना। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सो प्लीज कोऑपरेट। जी जरूर, मैं चलता हूँ। सर ये प्रभाकर से लिए हुए फेक मैरिज के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं और इसमें लाइव इंक्वायरी के वीडियो फुटेज हैं। अगर इसे कोर्ट में सबमिट किया तो नेशनल लेवल पे जरूर अवेयरनेस होगा। ये केस पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। टॉप ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये केस को जीत नहीं सकते अरुण। इधर जाति देखकर पॉलिटिशियंस को पावर मिलता है, वो काम करें या ना काम करें पब्लिक को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। पूंद मलि के पास एक चाय बेचने वाला आदमी है, उसने 4 साल की बच्ची का रेप किया और फिर उसका कत्ल भी किया। वो बेल लेकर बाहर आजादी से घूम रहा है। उसका एनकाउंटर करके प्रभाकर को सेव कर लो अरुण। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमें कार्रवाई करनी ही होगी। इस फेक सर्टिफिकेट केस को ऐसे मत छोड़िए सर, बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है। प्लीज डू समथिंग सर। सच्चाई तो कभी भी छुपा नहीं सकते अरुण, तब तक उस केस के बारे में हम ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकते अरुण, समझना होगा तुम्हें। जब वो केस रिलीज करेंगे अगर कोई सीक्रेट इंक्वायरी होगी तो फिर आपको बुला लेंगे। ओके सर। क्या मिस्टर गुरुदेव, पुलिस की रिपोर्ट पढ़े क्या? यस मी लॉर्ड। कोई भी आदमी अपने पर्सनल लाइफ में जो होता है उसका गुस्सा बाहर निकालने के लिए इस तरह का फेक मैरिज नहीं कर सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं और ये बात रिकॉर्ड में भी नहीं है। और इस तरह की फेक शादी किसी रजिस्टर में भी मौजूद नहीं है। आपके पास कोई सबूत है क्या? सब रजिस्ट्रार को आप खुद ही यहाँ कोर्ट में बुलाकर पूछ लीजिए, उन्हें फेस टू फेस बुलाकर पूछिए। ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मी लॉर्ड। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। तो आपके गवाह मिस्टर नील नारायण को कल सुबह इस कोर्ट में हाजिर करने के लिए मैं पुलिस को आदेश देता हूं। थैंक यू मिलॉर्ड। आइए सर। नहीं प्रभाकर। अभी यहां पर क्यों आए हो? मेरे पास तो देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है सर। नहीं प्रभाकर, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। पुलिस वालों से कुछ नहीं होगा, ये मैं पहले से जानता था सर। मैं फिर भी आपको बताता हूं, मेरी बीवी की कसम जरूर जीतेगी और उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आपसे बहुत उम्मीदें थी सर, आपने वो फेक मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया क्या? मैंने सबमिट कर दिया था, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते। ये मामला हायर अथॉरिटीज का है और इस वक्त मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारे सारे प्रूफ्स मेरे पास हैं, उसे सबमिट करके हम जरूर कुछ कर सकते हैं।
इसका चाहे जो भी अंजाम हो, आई फेस इट। एडवोकेट गुरुदेवन को बुलाया गया है, अगर वो चाहे तो इस केस में न्याय मिल सकता है। यहाँ सीसीबी डिपार्टमेंट के मिस्टर अरुण कौन है? आइए सर, मैं ही हूँ। हाँ, नमस्कार। क्या बात है, इतना अर्जेंटली बुलाया? सर वो बात ऐसी, ठीक है जो भी आप बेझिझक बताइए। सर ये मिस्टर प्रभाकर है, वकील वाले केस के मर्डरर। ये? हाँ सर। ब्रदर, सुपर ब्रदर, ऐसे करने वालों को तो इतनी बेरे में से कत्ल कर देना चाहिए। आप किसी भी हाल में डरना मत, आपके लिए मैं अपीयर होऊंगा। इस वक्त वैसे भी वो टीम पूरी तरह घबराई हुई है, ऐसे चोर लोगों की वजह से हम जैसे एडवोकेट्स की भी बदनामी बहुत होती है। सर आप जरा ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट दे दीजिए, बाकी का मैं देख लेता हूँ। डोंट वरी ब्रदर, मैं हूँ ना। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हमारे पास नहीं है, लेकिन इस केस के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये जो लेटी है ये द्रौपदी है। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना है सर। ये बात अगर किसी दूसरे के साथ हुई होती तो वो आम बात बोलकर इसे छोड़ देते अब तक, लेकिन गांव के लड़कों को बहला फुसला कर काम करते हैं, उन लड़कों के साथ लड़ना बहुत रिस्की है। लेकिन एक बात कहूं, आपका दिल बहुत बड़ा ब्रदर। इन लोगों को जड़ से खत्म करने की सोच रहे हैं, लेकिन कानून इनका साथ दे देता है, क्योंकि कानून के सामने बहुत अलग तरीके से पेश किया जाता है। पर चाहे जो भी हो, हमें जीतना होगा। इन सब के साथ जो कुछ भी हुआ वो मीडिया, सोशल मीडिया, पूरे गांव को दिखाना बहुत जरूरी है, बल्कि पूरी दुनिया तक फैलाना जरूरी है, तभी ये काम ठीक होगा। और आज रात को हमें ये काम करना ही होगा। हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, उसे रिलीज कर सकते हैं। कैसा डॉक्यूमेंट और किसके बारे में? द्रौपदी और लक्ष्मी का परिवार डुप्लीकेट मैरिज सर्टिफिकेट की वजह से किस हाल से गुजरा है उस पर बनाई है। अगर रिलीज कर दी तो लोगों तक बात पहुंचेगी और सबको सच का पता चल जाएगा। सुपर मैडम, इससे रिवॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगी। तो अगर ऐसे किसी केस में कोई लड़की या फिर उसके पेरेंट्स या कोई आकर कोर्ट में गवाही दे दें तो काम हो जाएगा। उसे प्राइम टाइम पे रिलीज करेंगे, तो बच्चा पैदा होने से पहले उन्हें जजमेंट देना ही होगा। नमस्कार, सच्चाई की आवाज में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने जा रहे हैं एक समुदाय के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे समुदायों के बीच में अक्सर झगड़े होते हैं, और उसी बारे में हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। आप देखते रहिए हमारा ये खास प्रोग्राम द्रौपदी की कसम। सच्चाई को सामने रखते हुए ये कहानी लिखी गई है, इसमें बहुत सारी बातें दिल को दहला देने वाली हैं। एक कंपनी सेना मंगला गांव में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है, लेकिन उस गांव के मुखिया आकर कहते हैं कि वो फैक्ट्री वहां पर नहीं लग सकती, और फिर उन्हें उस गांव से डरा धमका कर भगा दिया जाता है। फिर वो लोग कुछ गंदे लोगों से मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं, उस गांव के मुखिया की बेटी को एक नौजवान भेजकर उसे उसके प्यार में फंसाते हैं। अपने जाल में फंसा कर उस लड़की से जो करवाना चाहते थे वो लड़की तैयार नहीं होती, और उनका प्लान चौपट हो जाता है। और फिर वो लोग क्या करते हैं कि उस लड़की के बिना ही रजिस्ट्रार के ऑफिस में एक डुप्लीकेट शादी करवाई जाती है, और उस डुप्लीकेट शादी के सर्टिफिकेट को मुखिया को दिखाया जाता है, जिसे देखकर मुखिया सदमे में आ जाते हैं, और सदमे में आने के बाद मुखिया आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जीवन लीला को खत्म कर देते हैं। यही इस कहानी का मूल है। और खास बात यह है कि बिना लड़की के एक डुप्लीकेट शादी भला कैसे हो सकती है, इसे एक ईमानदार एडवोकेट गुरुदेवन इस पर वो मानहानि का केस बनाकर कोर्ट में ले जाते हैं। इसमें उन्होंने दो बातें कोर्ट में रखी हैं, और वही दो बातें हम आपको अभी दिखाएंगे। जिन्होंने ये जुर्म किया है उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ इतनी सारी फेक शादियां की हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? डुप्लीकेट शादियों को रोकने के लिए जो द्रौपदी की कसम खाने वाली आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू सर। जहाँ तक मेरा सवाल है, ऐसे जुल्म सहने वाली लड़कियाँ और ऐसी जाली शादी करवाने वाले लोगों को पूरी तरह जड़ से खत्म करने के बारे में ही सोचना चाहिए। ऐसे किसी भी हादसे में जो भी लड़की प्रभावित हुई है उन्हें हिम्मत के साथ खुलकर सबके सामने आकर बोलना चाहिए, तभी जाकर इसका सही फैसला किया जाएगा। मानहानि के केस में आपने कानून के आगे क्या मांगे रखी है सर? मेरी जो मांग है वो बहुत ही सिंपल है। जहाँ रजिस्टर्ड मैरिज होती है वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगवाना बहुत ही जरूरी है, और उसमें सारी बातों का रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसकी डिजिटल कॉपी गवर्नमेंट के पास पूरी तरह से सेफ होनी चाहिए, और उसके अलावा हर शादी माँ बाप के सामने उनकी हाजिरी में ही होनी चाहिए। इन दो बातों को अगर सामने रखा जाए तो लक्ष्मी के जैसे जुल्म झेलने वाली इस समुदाय में ऐसे बहुत से लोग हैं, तो ऐसी लड़कियों को या उनके पेरेंट्स को पूरे सबूत के साथ हमारे पास आना चाहिए। इतनी हिम्मत तो उन लोगों को जरूर दिखानी होगी, ताकि
हम उसे कोर्ट में पेश करके इसके खिलाफ सही फैसला ले सकें और सरकार से रिक्वेस्ट करें कि वो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो बातें बहुत ही अहम हैं। जाति नहीं है ऐसा कहेंगे तो भी जाति खत्म नहीं हो पाएगी, जाति है ऐसा कहेंगे तो भी हम एक रास्ते पर चल सकते हैं। वैसे ही हम चाहते हैं कि ये पॉलिटिक्स चलाने वाले लोगों को किनारे लगा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म इसके बारे में बहुत ही परफेक्ट तरीके से बता रही है। इतना ही नहीं, कल जो कानून का फैसला आने वाला है, शादियों को लेकर कोर्ट में क्या फैसला होने वाला है, कानून में क्या बदलाव करेंगे, ये बहुत ही अहमियत रखता है। आपकी तरह सबकी तरह हम भी इंतजार कर रहे हैं आपसे इस चैनल पर। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सर हाँ, ये जैक दास। नमस्ते सर। सुनो हाँ? कल कोर्ट में जाकर प्रभाकर के लिए सब कुछ किया ऐसा बोलना, ठीक है? ठीक है सर। और सुनो, पैसों के लिए सब कुछ किया है ऐसा मत बक देना। ऐसा नहीं होगा। लेके जाओ इसे। चलता हूँ सर, नमस्ते। फेक मैरिज केस का मामला, मानहानि केस, उसकी सुनवाई आइटम नंबर 16, पेटिशनर गुरुदेवन। मी लॉर्ड, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से यहाँ पर ऑफिसर्स आए हुए हैं, तो आप सबके सामने उनसे पूछताछ करके कोई अच्छा सा फैसला सुनाइए। मिलॉर्ड, सब रजिस्ट्रार नील नारायण को पेश किया जाए। रजिस्ट्रार नील नारायण। गीता पर हाथ रख करके कसम खाओ। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। आपने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया? दो दिन पहले जो जिंदा ही नहीं थी उस लक्ष्मी नाम की लड़की की शादी रजिस्टर करके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे दिया। उसी लड़की की 6 महीने पहले श्रवण नाम के एक लड़के के साथ शादी करवाकर उसे भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे दिया था। और ये गुनाह मैंने थोड़े से पैसों के लिए किया था। मेरे इस पाप की वजह से लक्ष्मी का परिवार बर्बाद हो गया। मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। तब से मैं दुखी रहने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे उठा लें। फिर मैंने फैसला किया कि जहर पीकर मर जाऊंगा। तो आप मानते हैं कि इस वीडियो में जो आवाज है वो आप ही की है ना? जी मैडम, मैं मानता हूँ। बिना दुल्हन के ही रजिस्टर मैरिज करवा दिया, ये तो गैर कानूनी काम है। तुम्हें पता है ना इस तरह का कदम उठाने के लिए तुम्हें क्या सजा हो सकती है? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसमें शामिल वकील मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। अब मुझे एहसास हो रहा है मैंने कितना बड़ा पाप किया है। सरकारी वकील साहब, आप इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं क्या? यस मी लॉर्ड। मिस्टर नील नारायण, आपका वीडियो मैंने देखा, उसमें डर से आपने जहर पिया है जो कि वीडियो में साफ दिखाई देता है। उस वीडियो में आपके सामने कोई खड़ा हुआ है जिससे आप पूछ रहे हैं कि इसे पीना जरूरी है, वो कौन था? ऐसा क्या साहब, वो मेरे सामने एक आईना था, मैं उसी में देखकर उसी से बातें कर रहा था। अच्छा जवाब है। एक लड़की की सुबह रजिस्टर मैरिज करते हैं, उसी शाम को वो लड़की जिंदा नहीं है, 6 महीने पहले उसकी मौत हो चुकी है, ये आपको कैसे पता चला? वो ऐसा है कि बोलिए। पहले उस लड़की की नकली शादी की वजह से जो कत्ल हुआ था वो क्या है कि उस लक्ष्मी का जीजा प्रभाकर, उसी ने ये जो नकली शादी हुई थी और जो उसे रजिस्टर करते हैं उनको दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा था। ओहो, उसे बेगुनाह साबित करने के लिए आपको धमकाकर बुलवाया गया, आप हमसे यही कहना चाहते हैं ना? लेकिन इसका कोई तथ्य नहीं बनता है तो फिर फेसबुक में कैसे आए? सबको पता चलना चाहिए इसीलिए। अचानक ज्ञानदेव आपके पास आ गए? सर वैसा ही सर। आपके रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसी कोई शादी नहीं हुई है ऐसा पुलिस वालों का कहना है। अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो रजिस्टर ऑफिस जाके सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए सर। इनको दिमागी बीमारी है मिलॉर्ड, इनके ऑफिस का सीसीटीवी काम नहीं करता, ऐसी कंप्लेंट इन्होंने लिखवाई हुई है जो आपके सामने रखता हूं माय लॉर्डशिप। नहीं सर, मैंने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की है सर। आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं है सर। पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें आप जैसा कह रहे हैं वैसी कोई रजिस्टर मैरिज नहीं हुई है। आपको अपना चेहरा नहीं दिखाने वाला, अपने प्यार में हार कर कोई शख्स आपको धमका कर आपको बोलने के लिए मजबूर करता है और उस वजह से खुदकुशी तक की नौबत आ गई, कैसे? वो ऐसा है कि मैंने घबरा के बोल दिया था। साहब ये मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है, मैंने गलत किया वो सच है, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा शरीर कांप रहा है। मिस्टर गुरुदेव, इन्हें भेज सकते हैं ना? देयर इज नो इशू मी लॉर्ड, आप इन्हें भेज सकते हैं। अभी आप दवा खाने चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो आपको फिर से बुलाया जाएगा। थैंक यू मिलॉर्ड। जी शुक्रिया। यहाँ पर सरकारी वकील ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो भी करें उससे पब्लिक का कोई फायदा ना हो, और ऐसा उनकी बहस से हमें साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन मैं अब आपके सामने दो ऐसे गवाह पेश करूंगा जो इस जाली शादी का शिकार हुए और कोर्ट के सामने अपना बयान देने के लिए तैयार हैं। जगदास, मैरी।
नमस्ते सर। गीता पर हाथ रख के कसम खाओ। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। तुम रजिस्टर्ड मैरिज के लिए क्यों तैयार हुए थे? प्रभाकर मेरा दोस्त है सर, उसकी साली के साथ फेक शादी करके उसका कत्ल कर दिया गया और उसका इल्जाम प्रभाकर के ऊपर लगाया गया। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसने मुझसे मदद मांगी जो मैंने की। ये किस तरह की मदद है ये बताओ बेटी, क्या तुम उस दिन रजिस्टर ऑफिस लक्ष्मी बनकर गई थी? हाँ मैडम, मुझे हमेशा साइन करने के लिए बुलाते थे और 5,000 रुपए देते थे। मैं पैसों के लिए कर देती थी। मेरा एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, उसके लिए मैं ये करती थी। मेरी गलती माफ कर दो। सरकारी वकील साहब, अब आप पूछिए। यस मी लॉर्ड। फ्रॉड दूल्हे की एक्टिंग की, उसके लिए आपको सजा हो सकती है, ये आपको पता है ना? तो सच सच बताइए। मैंने जो कहा वो सच है सर। कल तक मैं होश में नहीं था, आज होश में हूँ सर। अब मुझे कोई भी सजा मिले मैं उसे भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ सर। तो फिर तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते? सोच समझ कर बताओ। मुझे शादी नहीं करनी है सर, मैंने पहले ही शादी करके बहुत कुछ झेल लिया है। अब और नहीं सर, अब मैं सिंगल ही रहना चाहता हूँ। तुमने शादी पैसों के लिए की, सही ना? हेल्प के लिए नहीं। रुको रुको, तुम कुछ नहीं बोलो। वेट, नोट दिस पॉइंट मी लॉर्ड। पहले कहा मदद के लिए, फिर कह रहे हैं पैसों के लिए। ये सब पूरे देश में जातिवाद को फैलाने के लिए, प्यार में पढ़कर शादी करना, ये सब किसी की साजिश है। इनके जैसे लोग चंद पैसों के लिए झूठी गवाही भी देते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक झूठी शादी कोई भी इतनी आसानी से नहीं कर सकता माय लॉर्ड, इसलिए इस केस को खारिज किया जाए। शादी को लेकर रजिस्ट्रार के ऊपर पब्लिक में जो शक है उसे दूर किया जाए, ये मेरी कोर्ट से गुजारिश है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिस्टर गुरुदेव, आपको कुछ पूछना है? नो क्वेश्चंस मिलॉर्ड, आप जा सकते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। इस जुल्म को सहने वाले बाप और उनकी बेटी और उनकी कहानी को मैं आखिरी गवाह के तौर पर आप सबके सामने पेश करना चाहता हूं। आप उनसे बातचीत कीजिए मिलॉर्ड। मिस्टर रामकृष्ण को पेश किया जाए। रामकृष्ण हाजिर हो। नमस्ते जज साहब, पुराने वेनार पट्टी में 25 साल से मैं किराने की दुकान चला रहा हूं। मेरी बेटी दिव्या ने 5 साल पहले ही अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की। एक पिता के रूप में जो मेरा फर्ज था वो पूरा करने के लिए मैंने एक अच्छा लड़का ढूंढा और उससे उसकी मैंने सगाई करा दी। सगाई के 4 दिन बाद ही 7 वकीलों के साथ मेरे दुकान में काम करने वाले एक लड़के धर्मराज को लेकर मेरे घर पर आए और मुझसे कहने लगे कि मेरी बेटी दिव्या और उस लड़के धर्मराज की 2 महीने पहले ही रजिस्टर ऑफिस में शादी हो गई है और मैरिज सर्टिफिकेट लाकर उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया हुजूर। वो देखकर मेरी छाती फूट गई हुजूर, मैं टूट गया हुजूर। मेरी बेटी को बुलाकर उसके सामने पूछा मैंने, ये जो कह रहे सच है क्या? पापा, ये सब जो कह रहे हैं वो झूठ है, इसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। ये कह के वो रोने लगी जज साहब। वो बोल रही थी कि अगर उसके पति को ये पता चल गया तो बहुत बदनामी होगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा और मैं जहर खा के जान दे दूंगी। जब हमने लोगों से पूछताछ की तो हमें पता चला कि इस काम को अंजाम तो एक बहुत बड़े फ्रॉड गैंग ने किया था। ये जाल लड़कियों को फंसाने के लिए नहीं बल्कि उनके जरिए पैसे लूटने का काम करते हैं। मैंने पूछा कि कितना चाहिए तो उन्होंने कहा कि 5 करोड़। मैंने इधर उधर से जैसे तैसे करके 2 करोड़ जमा किए और फिर उनको दे दिए। फिर जिससे उसकी सगाई की थी उससे उसकी शादी करा दी। 2 सालों तक सुकून की जिंदगी जी रही थी। फिर एक दिन धर्मराज मेरी बेटी को धमकाने लगा और कहने लगा कि हम दोनों के शादी के बारे में तेरे पति को और तेरे ससुराल वाले को सारी सच्चाई बता दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो फिर तुम्हें 1 रात के लिए मेरे साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। ये सुनके मेरी लड़की रोती तड़पती मेरे घर पर आई और कहने लगी, पापा मुझे अब जिंदा नहीं रहना है, पापा मैं मेरी जान दे दूंगी पापा। मैंने उसे जैसे तैसे समझाया। अब तक मैं उन्हें 5 करोड़ रुपए दे चुका हूं जज साहब। क्या एक लड़की पैदा करके मैंने क्या बहुत बड़ी गलती की है जज साहब? बताइए मुझे, क्या मैंने गलती की है जज साहब? मेरा परिवार जिन जिन तकलीफों से गुजरा है जज साहब, वो मैं नहीं बता सकता। बस चाहता हूं ये और किसी के साथ ना हो, और किसी के साथ ना हो। मिलॉर्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी झूठी या नकली मैरिजेस कहीं नहीं हुई और उसका कोई सबूत नहीं है। तो एक गुप्त कैमरे के जरिए मैंने कुछ एविडेंस जुटाने की कोशिश की है, वो मैं कोर्ट के सामने पेश करना चाहूंगा। आप भी देख लीजिए सर क्या है।
इस वीडियो के आधार पर आप कुछ कहना चाहते हैं? सच हमेशा सच होता है। जो एविडेंस पुलिस ने मुझे दिए उसी हिसाब से मैंने बातों को आगे रखा। इस वीडियो को देखकर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आई एडमिट माई सेल्फ। थैंक यू मिलॉर्ड। सच्चाई की जीत। फिलहाल जो चल रहा है हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत सारी खामियां और गलतियां हैं, और ऐसा इन सब विवादों से हमें साफ पता चलता है। हमारे इस राज्य के एक बहुत ही छोटे से कस्बे के अंदर इस तरह के रजिस्ट्रार ऑफिस के जरिए 3,200 से ज्यादा फर्जी शादियां रजिस्टर की गई हैं। तो सोचिए, इस पूरे राज्य के हर शहर, तालुका, गांव और किसी और जगह पर अब तक कितने लाखों में ऐसी शादियां दर्ज की गई होंगी मिलॉर्ड। मैं इस कोर्ट का ध्यान उस तरफ खींचना चाहता हूं मिलॉर्ड। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 21 के तहत ये एक आपराधिक मामला बनता है, जबकि भारतीय कानून में शादी से जुड़ी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनमें हमें उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है मिलॉर्ड कि ऐसे जालसाजों की वजह से डुप्लीकेट शादियां सुरक्षा और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि इसकी फौरन CBI जांच की जाए और इसका खुलासा सबके सामने किया जाए मिलॉर्ड। जैसा कि मैं पहले भी ये सजेस्ट कर चुका हूं कि हर रजिस्ट्रार ऑफिस में एक CCTV कैमरा होना चाहिए, उसका डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए और उसकी कॉपी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। इस केस को हाई कोर्ट तक ले जाने की कोशिश की गई, जो कि प्रभाकरण के ऊपर एक झूठे कत्ल का आरोप लगाया गया जो कि पूरी तरह से झूठा था, और फिर उन्हें अरेस्ट भी किया गया। केस नंबर 216 सन 2018 में हुआ ये डबल कत्ल का जो मामला है उसे सही ढंग से इंक्वायरी करके सबके सामने पेश किया जाना चाहिए, सबसे पूछताछ की जानी चाहिए। उसके लिए मेरे पास कुछ हार्ड डिस्क में सबूत है, मैं चाहूंगा कि कोर्ट उसे देखे और गवाहों के बयान ले। ऐसी नकली शादियों को हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल करके लूटने वालों से हमें बचना होगा मिलॉर्ड, ताकि समाज चैन से जी सके। ये केस कोई मामूली केस नहीं है। इस केस के जरिए हमें समाज की बहुत सारी गंदगियों का पता चला है, तो उनका ध्यान रखते हुए ये कोर्ट अपना फैसला सुनाए। इस केस का फैसला अब से ठीक 30 मिनट के बाद सुनाया जाएगा। प्रभाकर, डोंट वरी, वी हैव द बेस्ट डॉक्टर फॉर दिस। सब अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। 2 मिनट में ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। तुम बोलती थी तब मैंने यकीन नहीं किया। तुम्हारी सोच में बहुत ज्यादा शक्ति है। अगर इंसान चाहे तो कोई भी बात को दुनिया के सामने रखकर उसका फैसला हो सकता है। ये बात मुझे अभी पता चली है। जानती हो तुम्हारे लिए कितने सारे लोग रो रहे हैं। मैं जो भी कह रहा हूं वो तुम्हें सुनाई देता होगा। पट्टू, तुम मुझे वापस पुकारोगी ऐसी उम्मीद है। हिम्मत से जाकर आना पट्टू। प्रभा, परेशान मत हो, ये लोग अपनी द्रौपदी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। रजिस्टर मैरिज में जो खामियां है उसे दूर करने के लिए और हत्या वाले केस में जो पूछताछ की गई उससे कोर्ट को बहुत कुछ जानने को मिला। अक्सर देखा गया है कि ऐसी शादियों के बाद लड़कियों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, तो इसके लिए हमें ऐसी शादियों के लिए कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। और इसके लिए सेक्शन 5 में प्रावधान है, अगर कोई शादी दिखावे के लिए हुई है तो उस शादी को कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी, और अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी पुलिस और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, और ऐसे अधिकारियों को जो ऐसा काम करते हैं उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसा ये अदालत आदेश देती है। आर्टिकल 21 इस हिसाब से सबकी हिफाजत होनी चाहिए। नकली शादी करवाना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है, और ये रजिस्टर भी हो चुका है, मतलब ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही है। इसीलिए ये केस CBI को सौंपा जा रहा है ताकि वो इंक्वायरी कर सके और 2 महीने में रिजल्ट आ जाए। ये जुर्म जिसने किया है यानी कि नील नारायण ने, इसे मान लिया है। पुलिस से कहा जाता है कि इस केस की तह तक पहुंचे और जल्द ही इसकी सच्चाई सामने लाई जाए। ये केस ऊपर की अदालत में भी जा सकता है। इस केस में प्रभाकरण के ऊपर एक झूठा आरोप लगाकर उसे फंसाया गया है, और उनके ऊपर एक और केस चल रहा है जो बेलूपुरम में चल रहा है। अब ये केस वहीं पर ट्रांसफर किया जाए। अब आज से ही
तमिलनाडु मैरिज एक्ट 2009 के हिसाब से जो भी रजिस्टर्ड मैरिज होगी वो सीसीटीवी कैमरा के सामने होगी। शादी करने वाले लड़का और लड़की दोनों की पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा करने से इस तरह की शादियों पर रोक लगेगी और सीसीटीवी का रिकॉर्ड एविडेंस सरकार के डिजिटल डिपार्टमेंट के पास हिफाजत से रखना होगा। अगर कोई परेशानी हुई तो सीसीटीवी फुटेज निकाल कर पूछताछ की जा सकती है, इसीलिए यह ख्याल रखना होगा कि सीसीटीवी फुटेज को बहुत संभाल कर रखा जाए। ऐसा ही अदालत अपना फैसला सुनाती है। रजिस्टर मैरिज होनी चाहिए मगर सब नियम के मुताबिक। यहाँ सबको बराबर का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। इसीलिए यह अदालत आदेश देती है कि ऐसा नया कानून बनाकर उस पर फौरन अमल किया जाए और जो भी कानून का पालन नहीं करेगा उससे क्या सजा दी जाए ये निश्चित किया जाए। द कोर्ट इज अडजर्न। थैंक यू लॉर्ड। यस, जजमेंट आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज के बिना आज के बाद रजिस्टर मैरिज नहीं होगी। सुपर प्रभाकर, द्रौपदी ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। भाई बेटी हुई है। देखो नहीं एकदम फायर, एकदम द्रौपदी लग रही है मेरी प्यारी गुड़िया।